الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب صدقت يا رب العالمين وصدق رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم نوری صاحب ناظم دارالعلوم سیف الاسلام اور ممتاز شاعر ادیب نخات اور مصلح قوم حضرت جلال عارف صاحب جانشین حضرت خواجہ شوق آئیے حضرات اب سماعت کرتے ہیں ایک خوبصورت نعت شریف جو آج کے 25ویں عرس شریف کی جن کی یاد میں منایا جا رہا ہے ان کی تحریر کردہ ہے میں خواہش کرتا ہوں مولانا عبدالعزیز عمر فاروقی صاحب سے کوئی تشریف لائیں اور حضرت خطیب الاسلام کی کہی ہوئی نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वसअते नबुवत की रिफ़ाते रिसालत की, वुसअते नुबुव्वत की रिफ़ाते रिसालत की, ऐसियान रहमत की ऐसी शान कुदरत की, ऐसियान रहमत की ऐसी शान कुदरत की। अव्वली वजूदे नूर, आखरी दुहूरे नूर। अव्वली वजूदे नूर, आखरी दुहूरे मुबतदा खबर दोनों, शर्ह है नबुव्वत की। मुबतदा खबर दोनों, शर्ह है नबुव्वत की। अस्सलामु अलैना के दामने सलामत में, अस्सलामु अलैना के दामने सलामत में, लेके हमको आका ने इंतहाई रहमत की। लेके हमको आका ने इंतहाई रहमत की। हश्र में रहेंगे सब अपनी अपनी उलझन में, हश्र में रहेंगे सब अपनी अपनी उलझन में, फिक्र होगी आका को सिर्फ़ अपनी उम्मत की, फिक्र होगी आका को सिर्फ़ अपनी उम्मत की। आशिकों को जन्नत भी ना तमाम नेमत है, आशिकों को जन्नत भी ना तमाम नेमत है, जुस्तजू जीना में है शाहदी की मायत की, जुस्तजू जीना में है शाहदी की मायत की। ला नबी अबादी के बाद क्या ज़रूरत है, ला नबी अबादी के बाद क्या ज़रूरत है, अब किसी नबुव्वत की अब किसी रिसालत की, अब किसी नबुव्वत की अब किसी रिसालत की। ज़र्रा ज़र्रा रोशन है शीश जिहाद का अल्ताफ़, ज़र्रा ज़र्रा रोशन है शीश जिहाद का अल्ताफ़, हर तरफ है आलम में, हर तरफ है आलम में
रोशनी नबूवत की जर्रा जर्रा रोशन है। शिश जी हाथ का अल्ताफ हर तरफ है आलम में, रोशनी नबूवत की वसअत नबूवत की रिफ़अत रिसालत की ऐसी आन रहमत की ऐसी शान कुदरत की। सलाम अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अभी आपके सामने मौलाना अब्दुल अज़ीज़ उमर फ़ारूक़ी हज़रत ममदूह की नात पाक पेश फरमा रहे थे। वर्से कलाम था, एक गुजारिश मैं आपसे करना चाहूँगा कि नात कहना इबादत है, नात पढ़ना इबादत है, और नात को सुनकर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी इबादत है। इस इबादत में आप ज़्यादा से गुजारिश है कि शामिल हो जाएँ और सवाब दायरान हासिल करें। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप खाली सुनने के लिए आए हैं, कुछ दादो तहसीन देने के मूड में नहीं हैं। शोरा इकराम जो सरकार दो आलम की बारगाह में तोहफ़े ग़ुलामी पेश कर रहे हैं, उनकी कुछ तो हिम्मत अफज़ाई होनी चाहिए। क्या यह हमारा फरीज़ा नहीं? मैं अदबन गुजारिश करता हूँ किस जानबी तवज्जो फरमाएं। हज़रत गिरामी, यह हमारी खुशनसीबी है कि आज के इस महफिल में मौलाना मोहम्मद महबूब हुसैन फ़ारूक़ी फ़र्जंद हज़रत ममदू जाने और तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मौलाना हाफिज़ मीर लताफत अली खादरी साहब शेखुत तफसीर जामे निज़ाम भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। बज़्म की जानिब से, उर्स कमेटी की जानिब से इन हज़रात का दिली खैर मुकदम है। अब आइए मोहतरम, आज की महफिल के रूह रवा और सदर मोहतरम हज़रत मौलाना हामिद हुसैन फ़ारूक़ी साहब अमीर जामियतुल फ़ारूक़िया से आपके सामने खुतबे इस्तिक़बालिया पेश कर फरमाएंगे। मुझसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि खुतबे इस्तिक़बालिया पेश फरमाएँ। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। معزز مكرم حضرت مولانا حافظ میر لطافت علی صاحب قبلہ شیخ التفسیر جامع نظامیہ حضور انیس ملت हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल क़ादिर सैफ़ी अलमारूफ़ इरफ़ानुल्लाह शाह नूरी साहिब क़िबला मुद्दज़िल्लुहु ब्रदर मुकर्रम हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद महबूब हुसैन मुआद अल फ़ारूक़ी हफ़िज़हुल्लाह मुअतमद मुशारा हज़रत फ़रीद सहर साहब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मद्दाहान रसूल शुआराए किराम बुज़ुर्गान मिल्लत नौजवान साथियों, आज की ये मुतबर्रिक महफिल ये महफिल नात व मनक़बत बल्कि नातिया व मनकबती मुशायरा जो मुशायरा मुकर्रर किया गया इसका इनेकाद अमल में लाया गया है। ये बात वाज़ह कर दूँ कि हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम ताजुल उलमा वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत शाह अल हाफिज़ मोहम्मद अल्ताफ़ हुसैन फ़ारूक़ी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ के 25वें उर्स शरीफ के ज़िमन में मुनक़िद की जाने वाली ये दूसरी नशिस्त है। पहली नशिस्त एक इल्मी सेमिनार जो
जो उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस और उसके साथ साथ अरबाब मजाज मिल्लत इस्लामिया के उनकी ज़िम्मेदारियों के हवाले से इंतहाई अहम तरीन नशिस्त जो 2 तारीख को मुकर्रर की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अहले इल्मों अरबाब दानिश ने अपने इंतहाई ज़र्रीन और मालूमाती मकालाजात पेश फरमाए हैं। गुज़िश्ता साल उर्से हज़रत ख़तीबुल इस्लाम 24वें उर्से शरीफ के मौके पर भी एक अहम तरीन इल्मी सेमिनार रखा गया था, क्योंकि कोरोना का दौर अभी चल ही रहा था तो कोरोना की वबा से और पेंडेमिक के उन अय्याम और उस दौर से जो शदीद तरीन मुतासिर हुए हर शोबा, वहीं पर मदारिस इस्लामिया को बड़े सख्त तरीन हालात का और आजमाइशी हालात का सामना करना पड़ा। उसी मुनासबत से इल्मी सेमिनार को उसी से मुआनवन किया गया था, मंसूब किया गया था, वही उनवान दिया गया था, इंतहाई मालूमाती और फ़िक्र अंगेज़ मकालाजात पेश किए गए और ये ऐलान 10 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान हुआ था, जिसमें से बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान के मुताबिक चीज़ें पाए तकमील को पहुँची। उनमें से एक मजल्ले की इशाअत थी जो हज़रत ख़तीबुल इस्लाम के मुतबर्रिक नाम और शख्सियत की तरफ मंसूब मजल्ला ख़तीबुल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबाअत अमल में लाई जा चुकी है और उर्से शरीफ की तकरीब में जो 7 ज़िलहिज्जा को मुनक़िद होता है, उर्से शरीफ वो तकरीब मुनक़िद होती है अलजामियतुल फारूक़िया वादी रहमत के अहाते में, हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में वहाँ पर इंशाअल्लाह वो मजल्ले को बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह अमल में आएगा। तो ये मुशायरे का इनेकाद भी ऐलान शुदा उन 10 बातों में से ये भी एक था जो इस साल 25वें उर्से शरीफ के ज़िमन में अल्हम्दुलिल्लाह तय किया गया और ये आगाज़ था, क्योंकि शेर व शायरी और शेर व सुखन से हुज़ूर ख़तीबुल इस्लाम अलैहि रहमत व रिज़वान को ख़ासा लगाव था। कमसिनी के और तालिबे इल्मी के दौर से ही आप शेर व सुखन से वाबस्ता रहे और बेहतरीन कलाम न सिर्फ उर्दू बल्कि अरबी में भी बड़ा बेहतरीन और बेनज़ीर कलाम आप फरमाया करते थे। इंशाअल्लाह मजल्ले ख़तीबुल इस्लाम में उस कलाम को भी शामिल, उस कुछ हिस्से को शामिल किया जा रहा है, इंशाअल्लाह अनकरीब वो आपके हाथों में होगा। हज़रात गिरामी, ये मुतबर्रिक महफिल, ये मुशायरा नातिया व मनकबती मुशायरा है। यकीनन ये दोनों बातें नात हो या मनकबत हो, ये बराह रास्त रूहानियत से, इस्लाम से, ईमान से और उखरवी दरजात से इसका बराह रास्त ताल्लुक़ है। चुनांचे कुरान करीम के आयत करीमा आयत दुरूद जिसको हम कहते हैं, उसकी तिलावत का शरफ़ मैंने हासिल किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फरमान है, बेशक अल्लाह तबारक व तआला नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है, सलात भेजता है। इसकी तफसीर में खुद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इसका माना तर्जमा बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी मुकर्रम की सना बयान करता है। यकीनी तौर पर सनाए हबीब ये ऐसी इबादत है कि रब तबारक व तआला ने इसे इबादत का दर्जा अता फरमाया। चुनाचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद मुबारक में इस बात को बयान किया गया
ذکر الانبیاء عبادہ اور منقبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی تعریف کو منقبت کہتے ہیں. تو منقبت ہے یہ. وذکر الاولیاء کفارۃ للذنوب, صالحین کا ذکر بھی منقبت ہی ہوتا ہے. فیعند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء کے ذکر سے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور صالحین کے ذکر کے موقع پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو یہ مبارک محفل, یہ مشاعرہ نعتیہ و منقبتی مشاعرہ ہے, خالص عبادت کی محفل ہے. میں تمامی شرکا کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں, بطور خاص معزز و مکرم مداحان رسول شعرائے کرام کا, جنہیں یہ عظیم سعادت حاصل ہے کہ نظم میں اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا مدح و ثنا بیان کرتے ہیں اور موتیوں میں پرو کر اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ثنا جوئی کرتے ہیں, تعریف بیان کرتے ہیں, نعت پاک بیان کرتے ہیں. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت پاک پڑھتے, نظم میں سناتے, بحیثیت شاعر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرتے اپنی شاعری میں, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ دعاؤں سے سرفراز کیے جاتے. بارہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دربار اپنی بارگاہ کے شعراء کو دعاؤں سے خوشی و مسرت کے ساتھ دعاؤں سے سرفراز فرمایا. اللہم ایدہ بروح القدس, کبھی یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو ان کی تائید فرما, مدد فرما روح القدس کے ذریعے سے. کبھی کسی شاعر کو نعت پاک پڑھنے والے, حضور کی مدح و ثنا بیان کرنے والے کو دعاؤں سے سرفراز فرمایا کہ اللہ تیرے منہ کی مہر کو سلامت رکھے, اور کبھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوشی و مسرت سے سرشار ہو کر اپنی مبارک و نورانی چادر مبارک کو اپنے بدن مبارک سے اٹھا کر نکال کر ان کی جانب ڈال دیتے ہیں, گویا انہیں سرفراز فرما دیتے ہیں, بردہ اپنا بردہ عنایت فرما دیتے ہیں. اس طرح سے سرفرازیاں ہوئی ہیں ان پر جو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نظم میں اپنی شاعری میں حضور کی ثنا بیان کرتے ہیں. آج بھی وہ سرفرازیاں جاری و ساری ہیں, عقیدت اور محبتوں کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے والوں کو آج بھی اس بارگاہ سے سرفراز کیا جاتا ہے. جی, سرفرازیاں عالم منام میں خواب میں بھی ہوتی ہیں, اور ایسے خوش نصیب بھی ہیں جنہیں حقیقت میں بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم شہود میں رونق افروز ہو کر سرفراز فرماتے ہیں. الحمدللہ سامعین بھی اس کا حصہ ضرور پاتے ہیں. میں پھر سے ایک مرتبہ تمامی شعراء کرام کا, بالخصوص مہمانان گرامی قدر میں حضور انیس ملت حضرت عرفان اللہ شاہ نوری صاحب قبلہ متظل نورانی کا میں خصوصیت سے شکر گزار ہوں, تمامی شعراء کرام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم بیٹھے ہیں جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے, اور الحمدللہ نعتیہ کلام جب آپ سنیں گے تو آپ بھی سبحان اللہ الحمدللہ کہتے ہوئے شعراء کرام کی مدد ضائع فرمائیں گے. ہمارے درمیان ابھی تشریف لائے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر طیب حسین طلحہ فاروقی صاحب, جو تاج العلماء کے صاحبزادے ہیں, ان کا بھی دلی خیر مقدم ہے. عرس کمیٹی کی جانب سے, جمعیت الفاروقیہ کی جانب سے, آئیے اب چلتے ہیں مشاعرے کی سمت. سب سے پہلے میں اس نوجوان شاعر کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ غلامی پیش کرنے کے لیے مدعو کروں گا. اس کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ اتنی کم عمر میں اس شاعر نے اپنی پہچان بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह शेर कहता है और ख़ुद कहता है मांगे का सिंदूर इस्तेमाल नहीं करता, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। हमारे दरमियान वो नौजवान शायर है जिसको दुनियाए नादगोई फरीद खां फरीद के नाम से जानती है, मैं उस अज़ीज़ नौजवान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल करें। इन चार मिसरों के साथ उस शायर का इस्तकबाल करता हूँ। नात कहने लगा हूँ जब से मैं, नात कहने लगा हूँ जब से मैं, ज़िंदगी ही संवर गई मेरी। नात कहने लगा हूँ जब से मैं, ज़िंदगी ही संवर गई मेरी। और बल्ब लगवा लिया जो नस्बत का, बल्ब लगवा लिया जो नस्बत का, नूर से खबर भर गई मेरी। अज़ीज़ुल क़दर फरीद खां फरीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नात पाक के तीन अशआर और मुकम्मल नात शरीफ शामिल से इजाज़त। ज़माने वाले जब जब भी मेरे दिल को दुखाते हैं, ज़माने वाले जब जब भी मेरे दिल को दुखाते हैं, ज़माने वाले जब जब भी मेरे दिल को दुखाते हैं, मुझे बेसाख्ता शाहे मदीना याद आते हैं, मुझे बेसाख्ता शाहे मदीना याद आते हैं। जहाँ वाले सरों को जिस जगह झुकने नहीं देते, जहाँ वाले सरों को जिस जगह झुकने नहीं देते, जबीने दिल वहाँ आशिक अकीदत से झुकाते हैं, ज़मीने जबीने दिल वहाँ आशिक अकीदत से झुकाते हैं। जहाँ माहौल नातों का नहीं मिलता फरीदक सर, जहाँ माहौल नातों का नहीं मिलता फरीदक सर, कदम मेरे वहाँ जाने से हरदम लड़ खड़ाते हैं, कदम मेरे वहाँ जाने से हरदम लड़ खड़ाते हैं। जहाँ माहौल नातों का नहीं मिलता फरीदक सर, कदम मेरे वहाँ जाने से हरदम लड़ खड़ाते हैं। निस्बत से नबी की है हम सब की शनासाई, निस्बत से नबी की है हम सब की शनासाई, निस्बत ये गुलामों को महशर में भी काम आई, निस्बत ये गुलामों को महशर में भी काम आई। कुरान के पढ़ने से क्या क्या ना मिला हमको, कुरान के पढ़ने से क्या क्या ना मिला हमको, बीनाई तवानाई दानाई मसीहाई,
बीनाई तवानाई दानाई मसीहाई, कुरान के पढ़ने से क्या क्या न मिला हमको, कुरान के पढ़ने से क्या क्या न मिला हमको, बीनाई तवानाई दानाई मसीहाई। सरकार दो आलम की तारीख को पढ़ पढ़ कर, सरकार दो आलम की तारीख को पढ़ पढ़ कर ईमान ले आते हैं हर दौर के ईसाई, ईमान ले आते हैं हर दौर के ईसाई। कुरान के पढ़ने से क्या क्या न मिला हमको, कुरान के पढ़ने से क्या क्या न मिला हमको, बीनाई तवानाई दानाई मसीहाई। तन्हाई में जब मुझको याद आने लगे आका, तन्हाई में जब मुझको याद आने लगे आका, उस दिन से फरीद अच्छी लगने लगी तन्हाई, उस दिन से फरीद अच्छी लगने लगी तन्हाई। अस्सलाम वालेकुम। कुरान के पढ़ने से क्या क्या न मिला हमको, बीनाई तवानाई दानाई मसीहाई। ऐसी खूबसूरत अशार के पर मुश्तमिल मुरस्से नाते पाक फरीद खां फरीद ने पेश की, दिल की गहराइयों से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि इनके फ़न में मज़ीद तरक्की अता फरमाए, नूरानियत अता फरमाए। हज़रत गिरामी, हमारे दरमियान एक ऐसे सीनियर शायर मौजूद हैं जिन्हें मैं बड़े प्यार से खालंदर भाई कहता हूँ, और वो शायर का आलम यह है, आज अगर हैदराबाद में 1000 शायर हैं तो 999 शायर वक्त के पाबंद नहीं, मैं खुले एतराफ़ करता हूँ मैं खुद भी, मगर वो एक शायर है जो वक्त से पहले हाज़िर होता है और फिर मुंतज़िमीन को तंग भी करते हैं कि पहले पढ़ाओ, उनका ये मकाम नहीं है मगर मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, उनका हुक्म है। मेरी मुराद शहरयार सुखन, जिन्हें हाल ही में शहरयार सुखन का खिताब दिया गया बज़्म इल्म अदब के ज़रिए, तमाम बहुत अच्छे नात कहते हैं, उस्ताद शायर हैं, उस्ताद सुखन हैं। तो मेरी मुराद हज़रत सैयद यूसुफ रवी साहब क़िबला से है कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमाएं। इन चार मिसरों के साथ मैं उन्हें दावत देता हूँ कि एक इनकलाब दुनिया में लाया हुजूर ने, एक इनकलाब दुनिया में लाया हुजूर ने, इंसान आदमी को बनाया हुजूर ने, एक इनकलाब दुनिया में लाया हुजूर ने, इंसान आदमी को बनाया हुजूर ने। मेरे नबी का शेर व अदब पे भी है ऐसा, मेरे नबी का शेर व अदब पे भी है ऐसा, हसन को मेंबर पे बिठाया है हुजूर ने, हसन को मेंबर पे बिठाया हुजूर ने। मोहतरम सैयद यूसुफ रवी साहब, मलखबत पेश करने से पेशतर तीन शेर नात के पेश करना चाहूँगा। मतलब अर्ज किया है, खुशबू सांसों में बसाते हैं बसाने वाले, खुशबू सांसों में बसाते हैं बसाने वाले, खुशबू सांसों में बसाते हैं बसाने वाले, तैबा जाते हैं मुकद्दर ही से जाने वाले।
आले तैबा जाते हैं मुकद्दर से जाने वाले नात गो जितने हैं निस्बत उन्हें हसन से है नात गो जितने हैं निस्बत उन्हें हसन से है इसी निस्बत से है सब एक घराने वाले इसी निस्बत से है सब एक घराने वाले मख्ता पेश करो हमको मैदान कयामत का नहीं खौफ रविश हमको मैदान कयामत का नहीं खौफ रविश हम गुनहगारों को आखा है बचाने वाले तैबा जाते हैं मुकद्दर से जाने वाले चंद शेर मनखबत के साथ पेश करना चाहूँगा मनखबत बयाद हज़रत अल्ताफ हुसैन फारूक अलैहि रहमान असद भाई मतलब अर्ज किया है अज़तुफ़ैले मनखबत ये दिल बड़ा सरशार है अज़तुफ़ैले मनखबत ये दिल बड़ा सरशार है निस्बत अल्ताफ क्या है निस्बत सरकार है निस्बत अल्ताफ क्या है निस्बत सरकार है दिल अगर तारीख हो तो मनखबत कैसे लिखे दिल अगर तारीख हो तो मनखबत कैसे लिखे मनखबत लिखने को दिल की रोशनी दरकार है मनखबत लिखने को दिल की रोशनी दरकार है ये 25वां वर्ष है उसके मनासबत से एक शेर उर्स है 25वां और ध्यान है अल्ताफ का उर्स है 25वां और ध्यान है अल्ताफ का
का दरमियाँ कब फासला है, कब कोई दीवार है, दरमियाँ कब फासला है, कब कोई दीवार है। आखिरी दो शेर, मर्तबा हद से सिवा है हजरत अल्ताफ का, मर्तबा हद से सिवा है हजरत अल्ताफ का, उनकी सुन्नत से दकन में बारिश अनवार है, उनकी सुन मर्तबा हद से सिवा है हजरत अल्ताफ का, उनकी सुन्नत से दकन में बारिश अनवार है। और आखिरी शेर पेश करो, फजल हक से सिलसिला जारी है इल्मे दीन का, फजल हक से सिलसिला जारी है इल्मे दीन का, उनकी तालीमात से सारा दकन बेदार है, उनकी तालीमात से सारा दकन बेदार है, हजरत अल्ताफ से निस्बत ही एक एजाज है, हजरत अल्ताफ से निस्बत ही एक एजाज है, रहमत अल्ताफ क्या है, रहमत सरकार है, निस्बत अल्ताफ क्या है, निस्बत अल्ताफ है। हज़ारे ग्रामीण, अभी हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हाज़िरी देकर आए हैं, नमाज़ इशा की अदायगी हुई है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि एक जलसे को रोक कर नमाज़ इशा का वक्फ़ा दिया गया, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। ये मैं समझता हूँ कि तालीमात हैं हमारे आज के सदर मुशायरा के वालिद मोहतरम ख़तीबुल इस्लाम के उन्होंने नमाज की पाबंदी को ज़रूरी समझा। मुशायरे आते हैं जाते हैं, और अब बाज़ औक़ात हम ये भी देखते हैं कि रात के 2-3 बजे तक मुशायरे पढ़ते हैं लेकिन फजर की नमाज़ को हम गैर हाजिर रहते हैं। तो अल्लाह का फजल है कि एक अहम फरीज़ा अदा करके आए। अपनी तकदीर से हम शिकवा किया करते हैं, अपनी तकदीर से हम शिकवा किया करते हैं और दिन रात फ़कत रब से इगला करते हैं, अपनी तकदीर से हम शिकवा किया करते हैं और दिन रात फ़कत रब से इगला करते हैं। जानते हैं कि अचानक ही ख़ज़ा आएगी, जानते हैं कि अचानक ही ख़ज़ा आएगी, फिर भी हम लोग नमाज़ों को ख़ज़ा करते हैं, फिर भी हम लोग नमाज़ों को ख़ज़ा करते हैं। अभी हमारे सामने वक्फे से पहले
शहरयार सुखन मोहतरम सैयद यूसुफ रवी साहब ने मुरस्सा कलाम पेश किया। खुशबू खुशबू सांसों में बसाए बसाते हैं बसाने वाले, खुशबू को सांसों में बसाते हैं बसाने वाले, तहबा जाते हैं मुकद्दर से ही जाने वाले। बहुत ही मुरस्सा नात उन्होंने पेश फरमाया। उसके बाद मनखबत भी पेश करने का उन्होंने शरफ़ हासिल किया। बहुत मुरस्से मनखबत थी, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दाद से नवाजे गए। मैं उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और गुजारिश करता हूं कि मज़ीद कुछ देर आप महफिल में तशरीफ़ रखें। ये सच है कि आप एक घंटा पहले तशरीफ़ लाए थे, मगर एक घंटा बाद जाने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूँकि नूरानी महफिल है, हुजूर की याद में हो रही है और लम्हा ब लम्हा नूर की बारिश हो रही है। गुजारिश करता हूँ कि आप थोड़ी देर तशरीफ़ रखें। हज़रात गिरामी, दीनी तालीम के फ़रोग में आज सारे हिंदुस्तान में जिस जामिया का नाम रोशन है, जिसे जुनूब की जामिया अजहर कहते हैं, वो जामिया निज़ामिया है। वहाँ पर एक अरसे दराज तक अपने बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले शोबे हिज के हाफिज़ मोहतरम मौलाना हाफिज़ शमसुद्दीन जमा साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत अच्छे शायर हैं, मुतरन्नम शायर हैं। उनका इस्तकबाल करते हैं, गुजारिश करते हैं कि बारगाह रिसालत महाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीय नात पेश फरमाएं। इन चार मिसरों से उनका इस्तकबाल करता हूं। सब अम्बिया से बढ़ के है अजमत रसूल की, सब अम्बिया से बढ़ के है अजमत रसूल की, सब उम्मतों से है बड़ी उम्मत रसूल की, सब अम्बिया से बढ़ के है अजमत रसूल की, सब उम्मतों से है बड़ी उम्मत रसूल की, ऊंचा मकाम पाएंगे जन्नत में हम सभी, ऊंचा मकाम पाएंगे जन्नत में हम सभी, महशर में जब मिलेगी शिफात रसूल की, महफिल में जब मिलेगी शफात रसूल की। मोहतरम हाफिज़ बुखारी शमसुद्दीन साहब, नाते शरीफ पेश कर रहा हूँ। देखिए अल्लाह की कुदरत का इजहार निराला है, अल्लाह की कुदरत का इजहार निराला है, कौनैन की हर शय में आका का उजाला है, कौनैन की हर शय का उजाला है, उल्फत मेरे आका की ईमान का आला है, मोमिन के लिए कौसर का प्याला है, मोमिन के लिए लोगों कौसर का प्याला है, आदम से मसीहा तक सारे रसूलों में, आदम से मसीहा तक सारे रसूलों में रुतबा मेरे आका का बाला से भी बाला है, रुतबा मेरे आका का बाला से भी बाला है। कुंतु
नबियों से ये बात आया हम पर, आदम से भी पहले से आका का उजाला है, आदम है कुंतु नबियों से ये बात आया हम पर, आदम से भी पहले से आका का उजाला है। क्या होगी मिसाल ऐसी कोई भी कयामत, सिद्दीक ने शर्माया सब कदमों में डाला है, सिद्दीक ने शर्माया सब कदमों में डाला है, जो आए थे जान जिस्त अपनी लुटा बैठे, जो आए थे जान लेने जिस्त अपनी लुटा बैठे, फारूख को आखा ने इस तरह संभाला है, फारूख को आका ने इस तरह संभाला है, अल्लाह के फरिश्ते भी करते थे हयाज से, दोनों लकब वाला हर एक से निराला है, दोनों लकब वाला हर एक से निराला है, मैं जिसका भी मौला उसके हैं अली मौला, हैदर की विलायत में क्या साफ हवाला है, रूमी हबशी सब है गुलामों में, मखसूस कोई इसमें गोरा है न काला है, मखसूस कोई इसमें गोरा है न काला है, जब कुछ भी न नजर आया, कुफार की आँखों में एक मकड़ी का जाला, कुफार की आँखों में एक मकड़ी का जाला, किस्मत से जमा परो
है जिन पर उस नूर मुजस्सम का नूरानी दुशाला है। उस नूर मुजस्सम का नूरानी दुशाला है। मनकबत हज़रत शेख उल इस्लाम अल्ताफ़ हुसैन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह पेश कर रहा हूँ। समाज फरमाएं याद अल्ताफ़ की ये अंजुमन आराई है, याद अल्ताफ की ये अंजुमन आराई है। मंशाए हक से हमारी यहाँ यक जाई है, मंशाए हक से हमारी यहाँ यक जाई है। आपने शान विलायत की अदा पाई है, आपने शान विलायत की अदा पाई है। आपकी ज़िस्त में नूरानी दिया आई है, आपकी ज़िस्त में नूरानी दिया आई है। जादे हक पे सदा चलना था उनका सेवा, जादे हक पे सदा चलना था उनका सेवा। हक पसंदों के ही पास उनकी पज़ीराई है, हक पसंदों के ही पास उनकी पज़ीराई है। तज़किए नफ्स का लोगों को सबक देते रहे, तज़किए नफ्स का लोगों को सबक देते रहे। इल्म के नूर से ही आपकी ऊंचाई है, इल्म के नूर से ही आपकी ऊंचाई है। ये न समझो के नजर आता नहीं वलियों को, ये न समझो के नजर आता नहीं वलियों को। अल्लाह वालों में सदा कल्ब की बिनाई
है अल्लाह वालों में सदा कल्ब की बीनाई है। निस्बत अल्ताप की पाकर मैं बहुत नाजा हूँ, निस्बत अल्ताप की पाकर मैं बहुत नाजा हूँ। उनकी निस्बत तो हमेशा मेरे काम आई है, उनकी निस्बत तो हमेशा मेरे काम आई है। मक्ता पेशे काबिलियत से ताल्लुक नहीं वलियों को जमा, काबिलियत से ताल्लुक नहीं वलियों को जमा, मेरे अल्ताफ पे अल्लाह की नजर छाई है, मेरे अल्ताफ पे अल्लाह की नजर छाई है। सुभान अल्लाह। मोहतरम हाफिज शमसुज़्ज़मां साहब मुरस्से नाते पाक और मनखबत का नजराना पेश फरमा रहे थे। बात फिर वहीं आती है दाद की तरफ। आप हजरात इतनी खामोशी से समात फरमा रहे हैं कि मुझे बार बार याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई दुआ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, कि शायर को भी मसरत होती है और आप सवाब के मुस्तहिक होते हैं। एक मिजाहिया खाता मैंने दाद के बारे में कहा था महफिल की मुनासिबत, तो उन्हें मैं कहना अर्ज़ करूँगा कि आप हमको दाद क्यों देते नहीं, आप हमको दाद क्यों देते नहीं, क्या समझ में शेर अब आते नहीं, आप हमको दाद क्यों देते नहीं, क्या समझ में शेर अब आते नहीं, जब भी देखो मुंह फुलाए रहते हो, जब भी देखो मुंह फुलाए रहते हो, मुस्कुराकर आप क्यों मिलते नहीं। मुस्कुरा इसलिए गुजारिश है अदबन आप तमाम से कि नाते शरीफ का मामला है, आपको सवाब लूट लेके जाना है, यहाँ पर सुनना भी नहीं है बल्कि दाद देकर अपने हिस्से की सवाब लेके जाना है, अदबन गुजारिश है। और शोरा हजरात से मुझे कहा गया कि मैं ये गुजारिश करूँ कि अपने नातिया कलाम और मनखबत भी अगर हो कहे हैं तो बराए करम यहाँ इनायत फरमा के जाएँ ताकि आइंदा सौवन ईयर में उसकी इशात अमल में ले जा सके। हजरत गिरामी जस फिर एक बार आपको याद दिला दूँ कि आज का ये मुशायरा बयादगार 2500 से शरीफ हजरत ख़तीबुल इस्लाम की याद में मुनाक़िद किया जा रहा है और इसकी सदारत फरमा रहे हैं मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फारूक़ी साहब, जो डाइस पर तशरीफ़ फरमा है और खुतबे इस्तक़बालिया में उन्होंने कई चीज़ों का जिक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरमोस्त खुतबे इस्तक़बालिया था, बहुत कम ऐसे खुतबे इस्तक़बालिया को मुझे सुनने का शरफ़ हासिल हुआ, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आइए हज़रत एक ऐसे शायर की जानिब रूबर होते खिदमत में पेश होते हैं जिसने बहुत कम उम्र में गज़लिया शायरी हो के नातिया शायरी न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में और बैन अवी तौर पर शोहरत हासिल कर लेने शायर, और जिनको शायरी वर्षे में मिली, जिनके रगों में शायर का खून है, हज़रत महबूब बेहोश महबूब नगरी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हमारे दरमियान मौजूद हैं, बेहतरीन नाज़िम मुशायरा हैं, उर्दू के उस्ताद हैं, डॉक्टर खारिद तैयब पाशा खादी से कौन वाकिफ़ नहीं है। मैं उनसे उनको इन चार मिसों के साथ दावत कलाम देता हूँ कि आखा से मेरे कोई बड़ा हो नहीं सकता, आखा से मेरे कोई बड़ा हो नहीं सकता, सूरज से बढ़ के कोई दिया हो नहीं सकता, आखा से मेरे कोई बड़ा हो नहीं सकता, सूरज से बढ़ के कोई दिया हो नहीं सकता, पहले 50 फ़र्ज हुई 5 फिर सहर, पहले 50 फ़र्ज हुई 5 फिर सहर, सरकार का एहसान तो अदा हो नहीं सकता, सरकार का एहसान तो अदा नहीं हो सकता। डॉक्टर खारिद तैयब पाशा खादरी माशाल्लाह।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات, میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ صاحب عرس خطیب الاسلام حضرت مولانا الطاف حسین فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی اسفار میں نے, اور ڈاکٹر طیب حسین صاحب بھی الحمدللہ ہم ساتھ جب چھوٹے چھوٹے تھے حضرت کے ساتھ ہم سفر کیا کرتے تھے. یہاں کے حیدرآباد تقریباً جلسوں میں بھی میں نے حضرت کی معیت میں حضرت کے ساتھ نعت شریف پڑھنے کا مجھے اعزاز ہے الحمدللہ. میں ایک نعت کے چند شعر پہلے بارگاہ رسالہ پہ پیش کر رہا ہوں. نعت کا مطلب ہے, جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے, جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے, جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے, میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے, میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے, میرے حضور کے جو کائنات کی ہر شے پہ شادمانی ہے, میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے, میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. مطلب سمجھ فرمائیے گا, کہاں حضور کہاں اپنی مدح خانی ہے, کہاں حضور کہاں اپنی مدح خانی ہے, کہاں حضور کہاں حضور کا اپنی مدح خانی ہے, زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے, زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے, کہاں حضور کہاں اپنی مدح خانی ہے, کہاں حضور اپنی مدح خانی ہے, زبان رکھ کے بھی احساس بے زبانی ہے, میرے حضور کے قدموں کی مہربانی ہے. شعر سماعت فرمائیں, کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو, کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو, کرم کی آس کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے, نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی, کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو, کرم کی آس اگر ہے تو آؤ طیبہ کو, نبی کا شہر ہی رحمت کی راجدھانی ہے.
मेरे हुजूर के कदमों की मेहरबानी है, मेरे हुजूर के कदमों की मेहरबानी है, जो कायनात की हर शय पे शादमानी है। और ये शेर बतौर खास समाप्त फरमाएगा, शरफ भी से बड़ा और क्या मिले मुझको, खाई साहब समाप्त, शरफ भी से बड़ा और क्या मिले मुझको, शरफ भी से बड़ा, शरफ भी से बड़ा और क्या मिले मुझको, सनाए अहमद मुरसल जो खानदानी है, सनाए अहमद मुरसल जो खानदानी है, शरफ भी से बड़ा और क्या मिले मुझको, शरफ भी से बड़ा और क्या मिले मुझको, सनाए अहमद मुरसल जो खानदानी है, मेरे हुजूर के कदमों की मेहरबानी है। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबिना मौलाना मोहम्मद मुबारक सलीम। चार पाँच शेर नात की पेश करके अपनी जगह लूँगा। नात का मतलब है, ऐसा जीना है कोई जीने में, ऐसा जीना है कोई जीने में, ऐसा जीना है कोई जीने में, हिंद में हम है दिल मदीने में, हिंद में हम हैं दिल मदीने में, चिटकियाँ लेती है जो सीने में, चिटकियाँ लेती है जो सीने में, चिटकियाँ लेती है जो कोई तो बात है मदीने में, कोई तो बात है मदीने में, जिसको जो चाहे बख्श देते हैं, जिसको जो चाहे बख्श देने समझो, मौत आए अगर मदीने में, मौत आए अगर अगर मदीने में, मौत आए अगर मदीने में, हम कहीं भी रहे तो क्या तैयब, हम कहीं भी रहे तो क्या तैयब, हम कहीं भी रहे तो क्या तैयब, जिंदगी रहती है मदीने, जिंदगी रहती है मदीने में, ऐसा जीना है कोई जीने में, हिंद में हम है दिल
मदीने में जो कायनात की हर शय पे शादमानी है, मेरे हुजूर के ख़दमों की ये मेहरबानी है। क़ारी डॉक्टर तैयब पाशा क़ादरी साहब ने एक समा बांध दिया बेहतरीन तरन्नुम और मुरस्से नात पाक अज़मतला ता मख्ता हर शेर लाजवाब। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत गिरामी, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ये इस मुशायरे के एक मेहमान मोज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिद्दीन फ़हीम साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि एक टीवी प्रोग्राम में उन्हें तशरीफ़ ले जाना है, ये उनका मकाम नहीं है लेकिन उनको ज़हमत देनी है, मजबूर हूँ। दीनी तालीम का फ़रोग हो के मिल्लत इस्लामिया की फ़िक्र सीरतुलनबी के मुतबरिक जलसे हों के कौमी मीडिया में तिश्नगान इल्म की रहनुमाई। एक बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत व आलिम दीन अपने ज़ात में एक अंजुमन है। दारुल ख़ज़ात के बानी हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिद्दीन फ़हीम साहब एक मुमताज़ नातगो शायर भी हैं। मुझे यह एज़ाज़ हासिल है कि 2012 में जब हज को जाने का मौका मिला तो मस्जिद नबवी में आपके साथ बारहा नमाज अदा करने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ और आज वो जब मेहमान खुसूस हैं तो निज़ामत का शरफ भी हासिल हो रहा है। मैं बड़े अदब व एहतराम से हज़रत मौलाना से मुल्तमिस हूँ कि बारगाह रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीए नात पेश करने की सआदत हासिल करें। इन चार मिसों के साथ मैं इस्तकबाल करता हूँ। चलती नहीं जहाँ में कोई फ़लसफ़ी की बात, चलती नहीं जहाँ में कोई फ़लसफ़ी की बात, दोनों जहाँ में चलती है मेरे नबी की बात। चलती नहीं जहाँ में कोई फ़लसफ़ी की बात, दोनों जहाँ में चलती है मेरे नबी की बात। आखा ने मेरे की ना कभी दुश्मनी की बात, आखा ने मेरे की ना कभी दुश्मनी की बात, करते थे दुश्मनों से भी वो दोस्ती की बात, करते थे दुश्मनों से भी वो दोस्ती की बात। हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक़ मुहिद्दीन फ़हीम साहब क़िबला। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बहुत माज़रत के साथ अखर को अभी न्यूज़ 18 के प्रोग्राम में हाज़िर रहना है, वरना मैं हाज़िर रहता और आप तमाम बुज़ुर्ग शायर शुआरा हज़रात से इस्तेफादा करता। नात पाक से पहले एक दो मतलब मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। रहने को मदीने में थोड़ी रहने को मदीने में थोड़ी सी जगह देना, मर जाऊं तो गुंबद के साए में बना देना, मर जाऊं तो गुंबद के साए में बना देना। जलवा रुखे जेबा का सोते में दिखा देना, जलवा रुखे जेबा का सोते को एक बार जगा देना, सोई हुई किस्मत को एक बार जगा देना। नात पाक का एक और शेर समाज फरमाइए। दर दर की ठोकरों से जिसे चाहिए न जात,
दर दर की ठोकरों से जिसे चाहिए नजात, बैठा रहे वो गुंबदे खज़रा के सामने, बैठा रहे। इसी नाते पाक एक और शेर समाज फरमाइए, जिनको मिला शरफ है मवाजे शरीफ का, जिनको मिला शरफ है मवाजे शरीफ का, आका है सामने वो है आका के सामने। राज शरीफ के कुछ मतलब समाज फरमा लीजिए। दरे रसूल से वाबस तगी पुरानी है, दरे रसूल से वाबस तगी पुरानी है, शरफ जो मुझे को मिला है वो खानदानी है, शरफ जो मुझे को मिला है सुकून कल्ब है आसूदा जिंदगानी है, सुकून कल्ब है आसूदा जिंदगानी है, वो जिन पे रहमत आलम की मेहरबानी है, वो जिन पे खुदा ने आपको बख्शी है कुर्ब की मंजिल, खुदा ने आपको बख्शी है कुर्ब की मंजिल, न कोई आपका हमसर न कोई सानी है, न कोई आपका हमसर न कोई सानी है, यहीं से मिलती है आसूदगी खलाइक को, यहीं से मिलती है आसूदगी खलाइक को, फजाए शेर नबी किस कदर सुहानी है, फजाए शेर नबी किस कदर सुहानी है।
ये कानत शने दीदार मुल्तरिब है बहुत, ये किसके वास्ते इरशादे लंतरा है, ये किसके वास्ते तड़प है आपके दरबार में हुजूरी की, तड़प है हुजूर आपको रुदादे गम सुनानी है, हुजूर आपको तसव्वुरात की दुनिया में सिर्फ तैबा, तसव्वुरात की दुनिया में सिर्फ तैबा है, फना का होश न तो होश जिंदगानी है, फना का होश कहे तो क्या कहे दरबार में जुबान गुंग है, कहे तो क्या कहे दरबार में जुबान गुंग है, गुनाह दामत से पानी पानी है, गुनाहगार नदामत से पानी पानी है। फहीम जिस को मिला है कमाल इश्क नबी, फहीम जिनको मिला है कमाल इश्क नबी, खुदा के पास बड़ी उनकी कदरदानी है, खुदा के पास बड़ी उनकी कदरदानी है, सुकून दिल है सुकून कल्ब है द जिंदगानी है। हाफिज मोहम्मद महबूब हुसैन मआस फारूकी अलमुतखल्लिस शहदा साहब से है, उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजराना खिदमत पेश करें। इन चार मिसरों के साथ उन्हें दावत कराम देता हूँ कि ढूंढते हो किस लिए तुम रोशनी का रास्ता, ढूंढते हो किस लिए तुम रोशनी का रास्ता, देख लो मेरे नबी की ज़िंदगी का रास्ता, ढूंढते हो किस लिए तुम रोशनी का रास्ता, देख लो मेरे नबी का ज़िंदगी का रास्ता, दो जहां के है वो मालिक और खुदा के भी नबी, दो जहां के है वो मालिक और खुदा के भी नबी, फिर भी अपनाया उन्होंने सादगी का रास्ता, फिर भी अपनाया उन्होंने सादगी का रास्ता। हज़रत हाफिज़ मोहम्मद महबूब हुसैन मआस अल फारूक़ी
المتخلص شہدہ صاحب سے ملتمس ہوں کے تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑا نادر واقعہ میری زندگی میں جو پیش آیا تھا, اس خاکسار کو اپنی زندگی کا 60-70% زندگی کا حصہ ارض مقدس پر گزارنے کا موقع ملا, اور اپنی ابتدائی زندگی کا یہ نادر واقعہ ہے جو میں اپنی ساری زندگی جو ارض مقدس پر گزار کے آیا ہوں اس میں ایک ہی سرمایہ ساتھ لے کے آیا ہوں, اور وہ سرمایہ میرے سعودی عرب کی ابتدائی زندگی کا یہ واقعہ ہے. جب میں ارض مقدس پر اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا تو ابتدائی دنوں کی بات ہے, ایک مرتبہ میں محو خواب ہوا تو بہت ہی نادر واقعہ میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ وہ پیش آیا, اور میں اپنے خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بالکل روضہ اقدس کے پاس آپ کے سرانے مبارک کے پاس کھڑا ہوں, اور آنسو روا ہے اور اپنی بخشش کی درخواست کرتا جا رہا تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ روضہ اقدس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمودار ہوئے, آپ تشریف لائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ دیے, اور میری والدہ ماجدہ بھی میرے ساتھ اس خواب میں میرے ساتھ تھیں, جو کہ روضہ اقدس کے دور زنانے کے حصے میں تشریف فرما تھی. تو میں بے ساختہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دست مبارک میرے سر پر رکھ کر مجھے بخشش کی جو بشارت دی گئی, تو میں دوڑتا ہوا اپنی والدہ ماجدہ کے پاس گیا اور بڑی خوشی سے جو ہے یہ عرض کیا, اور اس کے بعد مجھے یہ نعت شریف لکھنے کا شرف حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو ہے عطا بخشی. تو میں اب اس کو جو ہے اس کے چند اشعار نثر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ کی اجازت ہو, اور اس کے بعد میں اسی نعت کو بہت ہی خوش الحان قاری اور بہت ہی بہترین میرے پسندیدہ نعت خواں حافظ و قاری اسامہ فاروقی, جو کہ ابھی سعودیہ سے آج ہی تشریف لائے ہیں, میں ان سے دعوت سخن دوں گا. اس سے پہلے میں اس نعت کے چند اشعار نثر میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آس ہم کو ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی, آس ہم کو ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی, خود کی آپ کی خاطر ہی بشارت ہوگی. میں گناہگار ہوں آسی ہوں سیاہ کار ہوں میں, میں گناہگار ہوں آسی ہوں سیاہ کار ہوں میں, گر سدھر جاؤں تو سرکار عنایت ہوگی. آتش نار جلائے اسے کیوں کر شیدا مختار زید, آتش نار جلائے اسے کیوں کر شیدا, جس کے دل میں شہ بتھا کی محبت ہوگی. بیچ کے چند اشعار اور باقی ہیں. جان لے گستاخ نبی, جان لے گستاخ نبی, دشمنی شاہ کی اللہ سے عداوت ہوگی. جان جائے میری سرکار کے خاطر واللہ, جان جائے میری سرکار کے خاطر واللہ, یہ میری موت نہیں بلکہ شہادت ہوگی. اب میں دعوت سخن دوں گا حافظ و قاری اسامہ فاروقی, آئیں اور اسی نعت کو پیش کرنے کی اجازت دیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے پہلے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد. آس ہم کو ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی. آس ہم کو ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی. خلد کی آپ کے خاطر ہی بشارت ہوگی. خلد کی آپ کے خاطر ہی بشارت ہوگی. میں گناہ گار ہوں، عاصی ہوں، سیاہ کار ہوں میں گناہ گار ہوں، عاصی ہوں، سیاہ کار ہوں میں. گر سدھر جاؤں تو سرکار عنایت ہوگی. گر سدھر جاؤں سرکار عنایت ہوگی. جان لے جان لے پھر جان لے گستاخ نبی. جان دشمنی شاہ کی اللہ سے عداوت ہوگی. دشمنی شاہ کی اللہ سے عداوت ہوگی. جان جائے میری سرکار جان جائے میری سرکار کے خاطر واللہ. یہ میری موت نہیں بلکہ شہادت ہوگی. یہ میری موت نہیں بلکہ شہادت ہوگی. آس ہم کو ہے کہ محشر میں شفاعت ہوگی. خلد کی آپ کے خاطر ہی بشارت ہوگی. آتش نار جلائے اسے کیوں کر شیدا. آتش نار جلائے اسے کیوں کر شیدا.
بطحا کی محبت ہوگی جس کے دل میں شہ بطحا کی محبت ہوگی السلام سبحان اللہ سبحان اللہ محترم حافظ محمد محبوب حسین معاذ فاروقی المتخلص شادہ صاحب کی نعت شریف کو ان کے فرزند نے یعنی آج جس معتبر ہستی کا عرس شریف ہے ان کے پوتے صاحب نے اپنے خوبصورت ترنم سے مزید اس کو جلا بخشی وہ قابل مبارکباد ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ وہ بھی شاعری کے میدان میں قدم رکھیں مگر نعتیہ شاعری میں حضرت گرامی ہمارے درمیان ایک ایسے نوجوان عالم دین مفتی موجود ہیں جن کو نہ صرف عربی زبان میں عبور حاصل ہے بلکہ انگریزی بھی بہت اچھی کہتے ہیں اور طلباء میں درس و تدریس کے لیے بھی کافی مانے جاتے ہیں لیکن آج کل فو ٹی وی پر زیادہ نظر آ رہے ہیں ہم جیسے جاہلوں کے سوالات کے جواب نہایت دھیمے لہجے میں بہت اچھے انداز میں ہم کو مطمئن کرتے ہیں میری مراد حافظ و قاری مفتی وجیع اللہ سبحانی صاحب محمد وجیع اللہ سبحانی صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کا سعادت حاصل کریں دو شعر ان کی خدمت پیش کرتا ہوں دونوں عالم میں ہیں جتنے گلستاں دونوں عالم میں ہیں جتنے گلستاں خوش نما ان کے نظارے مسترد دونوں عالم میں ہیں جتنے گلستاں خوش نما ان کے نظارے مسترد حسن کے آگے میرے سرکار کے حسن کے آگے میرے سرکار کے چاند سورج اور ستارے مسترد چاند سورج اور ستارے مسترد مولانا حافظ و قاری مفتی محمد وجیع اللہ سبحانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم سب سے پہلے تو میں آج کے صدر بزم حضرت مولانا محمد حامد حسین فاروقی المعروف بحسان فاروقی صاحب کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے اس مقدس اور متبرک محفل میں مجھے یاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے یہاں یہ ذکر بے محل نہ ہوگا کہ میرے والد گرامی مفسر دکن حضرت علامہ قاضی محمد عطا اللہ علیہ رحمہ اور خطیب الاسلام حضرت الشاہ حافظ مولانا محمد الطاف حسین فاروقی علیہ رحمہ میں بہت ہی گہرا ربط اور تعلق تھا اور نہ صرف گہرا تعلق بلکہ یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ بہت گہری دوستی تھی اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مولانا نے صدر بزم نے مجھے جو یاد فرمایا ہے وہ بہت ہی شکریہ کے قابل ہے اس سے پہلے کہ میں منقبت خطیب الاسلام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں اس سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار ہمارے محسن حمومی صاحب ان اشعار کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں سماعت کیجیے گا یا نبی آپ کی چوکھٹ کی گدائی ہونا یا نبی آپ کی چوکھٹ کی گدائی ہونا یا نبی آپ کی چوکھٹ کی گدائی ہونا اس طرح مجھ کو دو عالم کی بھلائی ہونا اس طرح مجھ کو دو عالم کی بھلائی ہونا جس کو وہ چاہے وہی ان پہ فدا ہوتا ہے
जिसको वो चाहे वही उन पे फिदा होता है। सबकी किस्मत में कहाँ उनका फिदाई होना, सबकी किस्मत में कहाँ उनका फिदाई होना। सबकी किस्मत में कहाँ उनका फिदाई होना। दिल को तैबा के तसव्वुर से सुकून मिलता है, दिल को तैबा के तसव्वुर से सुकून मिलता है। मुझको आखाना कभी इससे रिहाई होना, मुझको आखाना कभी इससे रिहाई होना। दिल को तैबा के तसव्वुर से सुकून मिलता है, दिल को तैबा के तसव्वुर से सुकून मिलता है। मुझको आखाना कभी इससे रिहाई होना, मुझको आखाना कभी इससे रिहाई होना। मिल गई उनकी गुलामी तो अब इस फिक्र में हूँ, मिल गई उनकी गुलामी तो अब इस फिक्र में हूँ। किस तरह फर्ज़े गुलामी की अदाई होना, किस तरह फर्ज़े गुलामी की अदाई होना, किस तरह फर्ज़े गुलामी की अदाई होना। अपने कदमों में बुला कर ना मुझे दूर करो, अपने कदमों में बुला कर ना मुझे दूर करो। क़ुर्ब के बाद क़यामत है जुदाई होना, क़ुर्ब के बाद क़यामत है जुदाई होना, क़ुर्ब के बाद क़यामत है जुदाई होना। हज़रात, जैसा कि मैंने आपके सामने इज़हार किया था कि मनक़बत ख़तीब इस्लाम पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, ये बहुत ही हुस्न इत्तेफ़ाक़ है कि कल रात 2 या 2:15 के वक्त पर ये मनक़बत तैयार होने करने की सआदत हासिल हुई है। समाअत कीजिएगा, मतला कुछ यूँ है, पा गया जो भी इरादत हजरत अल्ताफ से, पा गया जो भी इरादत हजरत अल्ताफ से, पा गया जो भी इरादत हजरत
الطاف سے وہ ہوا اہل طریقت حضرت الطاف سے وہ ہوا اہل طریقت حضرت الطاف سے علم و حکمت کا ہے دریا آج بھی علم و حکمت کا ہے جاری ایک دریا آج بھی علم و حکمت کا ہے جاری ایک دریا آج بھی پا رہی ہے فیض امت حضرت الطاف سے پا رہی ہے فیض امت حضرت الطاف سے بارش جود و سخا جس پر ہوئی الطاف کی بارش جود و سخا جس پر ہوئی الطاف کی وہ ہوا ہے اہل ثروت حضرت الطاف سے وہ ہوا ہے اہل ثروت حضرت الطاف سے دوسری جانب نظر اس نے کبھی کی ہی نہیں دوسری جانب نظر اس نے کبھی کی ہی نہیں ہو گئی جس کو بھی چاہت حضرت الطاف سے ہو گئی جس کو بھی چاہت حضرت الطاف سے معرفت حاصل ہوئی ہے حق تعالیٰ کی اسے معرفت حاصل ہوئی ہے حق تعالیٰ کی اسے پا گیا جو بھی خلافت حضرت الطاف سے پا گیا جو بھی خلافت حضرت الطاف سے اور یہ شعر دیکھیے گا ہر بھلائی اس کے دامن میں سمٹ کر آ گئی ہر بھلائی اس کے دامن میں سمٹ کر آ گئی ہو گئی جس کو عقیدت حضرت الطاف سے ہو گئی جس کو عقیدت حضرت الطاف سے علم کا روحانیت کا نور ہر سو چھا گیا علم کا روحانیت کا نور ہر سو چھا گیا مٹ گئی ہر ایک ظلمت حضرت الطاف سے مٹ گئی ہر ایک ظلمت حضرت الطاف سے جو ہی صحبت بے ہنر کو مل گئی ہے آپ کی جو ہی صحبت بے ہنر کو مل گئی ہے آپ کی
आ गई उसमें लियाकत हजरत अल्ताफ से, आ गई उसमें लियाकत हजरत अल्ताफ से। और आखिरी दो शेर देखिएगा, ये आखिरी दो में से जो पहला जो शेर है ये हमारे मौलाना जो सदर बज़्म हैं उनके हवाले से है। दीन का दाई बनाया आपने हसन को, दीन का दाई बनाया आपने हसन को, यूं हुई दी की इशात हजरत अल्ताफ से, यूं हुई दी की इशात हजरत अल्ताफ से। दीन का दाई बनाया आपने हसन को, यूं हुई दी की इशात हजरत अल्ताफ से। हाजरीन मोहतरम, हजरत ख़तीब इस्लाम के हवाले से उमूमन ये बात कही जाती है कि आप बहुत ही बेहतरीन और बहुत बड़े आशिक़ रसूल थे, आशिक़ नबी थे, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जिसका ताल्लुक़ हजरत से हो गया वो आशिक़ नबी बन गया, तो वो मैंने अपने शेर में ढालने की सआदत हासिल की है। आशिक़े खैरुल वरा वो हो गया है बिल यकीन, आशिक़े खैरुल वरा वो हो गया है बिल यकीन, हो गई जिसको भी निस्बत हजरत अल्ताफ से, हो गई जिसको भी निस्बत हजरत अल्ताफ से। और मक्ता देखिएगा, फिर कभी गुमराह हरगिज़ वो हुआ ना ए वजी, फिर कभी गुमराह हरगिज़ वो हुआ ना ए वजी, जिसने पाई है हिदायत हजरत अल्ताफ से, जिसने पाई है हिदायत हजरत अल्ताफ से, हो गई जिसको भी निस्बत हजरत अल्ताफ से। बहुत बहुत शुक्रिया। नात पेश करने के अलावा आज के जिस 25वें उर्स शरीफ के मोहतरम ममदू के शान में भी मनखबत का नजराना पेश किया, और मनखबत में ऐसे ऐसे मजामीन लाए महसूस हो रहा था कि मानो वो भी यहाँ बैठकर समाअत फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मरखत को अपने नूर से पुरनूर कर दे और सरकार दो आलम को उनका काम को दीदार नसीब हो। हजरत गिलानी शहर हैदराबाद फरखुंदा बुनियाद को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ कई अवलिया अल्लाह के आस्थान हैं, और उन आस्थानों से बिला लिहाज मजहब मिल्लत सैकड़ों लोग रोज़ाना मुस्तफ़िद होते हैं, फैज़याब होते हैं। ऐसी ही एक बारगाह है जिसे दरगाह हज़रत बरहना शाह साहब के नाम से मौसूम किया गया है। वहाँ की इंतज़ामी कमेटी के काबिल फ़ख्र सदर हमारे दरमियान मौजूद हैं, मौलाना खाजी असद सनाई से कौन वाकिफ़ नहीं है, एक अच्छे शायर, एक अच्छे अदीब, और सबसे बढ़ के तसनीफ़ व तारीफ़ में भी उनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। अंसार पब्लिकेशन के वो बानी हैं और तबात के काम में हर शायर और अदीब की मदद करते हैं। हम उनका दिली खैर मकदम करते हैं और गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नात पेश करें। चार मिसों से उनके मदावत देता हूँ कि मेरे आखा की इबादत देखिए, मेरे आखा की इबादत देखिए, अश्क से गालों को धोते थे बहुत, मेरे आखा की इबादत देखिए, अश्क से गालों को धोते थे बहुत,
किस कदर उल्फत थी उम्मत से सहर, किस कदर उल्फत थी उम्मत से सहर, जाग कर रातों में रोते थे बहुत, जाग कर रातों में रोते थे बहुत। मौलाना काजी असद सनाई साहब, दाइस पर तशरीफ़ फरमा, सदर महफिल, उलमाए किराम और हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रते गिरामी, बड़ी खुशी और मसर्रत मुझे महसूस हो रही है आज की इस नूरानी इरफानी महफिल में शिरकत कर कर। ये हज़रत ख़तीबुल इस्लाम अलैहि रहमतुर रिज़वान की याद में मुनक़िद नातिया व मनखबती मुशायरा है। हज़रत ख़तीबुल इस्लाम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वालिद गिरामी क़द्र उम्दतुल कुर्रा हज़रत अल्लामा काजी मोहम्मद अंसार अली कुरैशी जावीद नक्शबंदी कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बड़े गहरे रवाबित व मरासिम थे। इसके अलावा मेरे ख़ानदानी बुज़ुर्गों से भी हज़रत की दोस्ती रही है, जैसा कि वजीउल्ला सुबहानी साहब ने बताया कि उनके वालिद गिरामी जो मेरे भाई होते हैं, उसके अलावा दूसरे उलमा। मैं समझता हूँ कि हज़रत वाला गिरामी जामे निज़ामिया के काबिल फ़ख्र वो सबूत हैं जो साहिब कलम भी थे, बहुत अच्छे शायर भी थे और बहुत अच्छे नसार भी थे। यकीनन हज़रत की याद में इस तरह की महफ़िलें मुनक़िद करना बेहतरीन खिराज अक़ीदत पेश करना है। नात पाक का नजराना पेश करता हूँ हज़रत सदर महफिल की इजाज़त से। समाअत फरमाए कि कहा जाता है कि जब बंदा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक से जाम कौसर पी लेता है तो उसे ऐसी सहराबी मिलती है कि फिर उसे कभी प्यास ही नहीं लगती। मतलब इस हवाले से समाअत फरमाए कि जाम कौसर की तरह सहराब करता है मुझे, जाम कौसर की तरह सैराब करता है मुझे, ज़िक्र अहमद इस कदर शादाब करता है मुझे, जाम कौसर की तरह सैराब करता है मुझे, ज़िक्र अहमद इस कदर शादाब करता है मुझे। देखिएगा नादगो हजरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है, बड़े नायाब हैं, बड़े कीमती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें नादगोई का शरफ़ बख्शा है कि अल्लाह नादगो है तो उसने अपने बंदों को भी ये शरफ़ अता फरमाया है। एक और मतलब समात फरमाया कि शगले नाते मुस्तफ़ा नायाब करता है मुझे, शगले नाते मुस्तफ़ा नायाब करता है मुझे, अरे साकिने सिदरा भी अब आदाब करता है मुझे, शगले नाते मुस्तफ़ा नायाब करता है मुझे, साकिने सिदरा भी अब आदाब करता है मुझे। एक मतलब और समात कर लें अकबर साहब कि खौफ महशर जब कभी गरखाब करता है मुझे, खौफ महशर जब कभी गरखाब करता है मुझे, उनकी कमली का भरम पायाब करता है मुझे, खौफ महशर जब कभी गरखाब करता है मुझे, उनकी कमली का भरम पायाब करता है मुझे। शेर मुलायदा फरमाए कि काबे दिल पर उढ़ाया है दुरूदों का गिलाफ, काबे दिल पर उढ़ाया है दुरूदों का गिलाफ, दम बदम अबरे करम मीज़ाब करता है मुझे, दम बदम अबरे करम मीज़ाब करता है मुझे, और संग दर का नक्श रोशन हो के माथे पर मेरे, संग दर का नक्श रोशन हो के माथे पर मेरे, नादिशे सद नैयरों महताब करता है मुझे, नादिशे सद नैयरो महताब करता है मुझे, और मैं हूँ सर से पाँव तक बोसीदा कंबल की तरह, मैं हूँ सर से पाँव तक बोसीदा कंबल की तरह, इश्क उनका रेशमों किम ख्वाब करता है मुझे, इश्क उनका रेशमों किम ख्वाब करता है मुझे। नात पाक का आखिरी शेर अर्ज कर रहा हूँ कि मैं अजल से ही ग़ुलाम अहमद मुख्तार हूँ, मैं अजल से ही ग़ुलाम अहमद मुख्तार हूँ, ये ताल्लुक़ साहिब अलकाब करता है मुझे,
یہ تعلق صاحب القاب کرتا ہے مجھے، میں ازل سے ہی غلام احمد مختار ہوں، یہ تعلق صاحب القاب کرتا ہے مجھے۔ مختار کرتا ہوں کہ ذہن و دل پر جب درودی کیفیت چھانے لگے، ذہن و دل پر جب درودی کیفیت چھانے لگے، شوق طیبہ کا اسد بیتاب کرتا ہے مجھے، شوق طیبہ کا اسد بیتاب کرتا ہے مجھے، شغل نعت مصطفیٰ نایاب کرتا ہے مجھے، ساکن سدرہ بھی اب آداب کرتا ہے مجھے۔ حضور خطیب الاسلام کی بارگاہ میں چند خطاط کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائے کہ روشن ہے انجمن، روشن ہے انجمن میں، روشنی ہے انجمن میں حضرت الطاف سے، روشنی ہے انجمن میں حضرت الطاف سے، ہیں بہارے اس چمن میں حضرت الطاف سے، روشنی ہے انجمن میں حضرت الطاف سے، ہیں بہارے اس چمن میں حضرت الطاف سے، اور پھیلتی ہی جا رہی ہے خریا خریا کو بکو، پھیلتی ہی جا رہی ہے خریا خریا کو بکو، علم کی خوشبو دکن میں حضرت الطاف سے، علم کی خوشبو دکن میں حضرت الطاف سے۔ دیکھیے دوسرا قطع سماعت فرمائے کہ دل میرا ایک مدرسہ ہے، دل میرا ایک مدرسہ الطاف فاروقی کا ہے، دل میرا ایک مدرسہ الطاف فاروقی کا ہے، درس جاری مرحبا الطاف فاروقی کا ہے، جس میں پیمانے پلائے جاتے ہیں توحید کے، جس میں پیمانے پلائے جاتے ہیں توحید کے، وہ مقدس مقدہ ہے حضرت، وہ مقدس مقدہ الطاف فاروقی کا ہے، وہ مقدس مقدہ الطاف، دل میرا ایک مدرسہ الطاف فاروقی کا ہے، درس جاری مرحبا الطاف فاروقی کا ہے، اور جس میں پیمانے پلائے جاتے ہیں توحید کے، وہ مقدس مقدہ الطاف فاروقی کا ہے۔ ایک اور قطع دیکھیں کہ نظامیہ کا ہے اعزاز حضرت الطاف، نظامیہ کا ہے اعزاز حضرت الطاف، دکن کو آپ پہ ہے ناز حضرت الطاف، دکن کو آپ پہ ہے ناز حضرت الطاف، رموز عشق حقیقی کے آسمانوں میں، رموز عشق حقیقی کے آسمانوں میں، ہے اونچی آپ کی پرواز حضرت الطاف، ہے اونچی آپ کی پرواز، نظامیہ کا ہے اعزاز حضرت الطاف، دکن کو آپ پہ ہے ناز حضرت الطاف، رموز عشق حقیقی کے آسمانوں میں، ہے اونچی آپ کی پرواز حضرت الطاف۔ ایک اور مقطع دیکھیں کہ آپ کی شان بڑی حضرت الطاف حسین، آپ کی شان بڑی حضرت الطاف حسین، آپ شہدائے نبی حضرت الطاف حسین، آپ کی شان بڑی حضرت الطاف حسین، آپ شہدائے نبی حضرت الطاف حسین، دل میں قرآن کی ذوق، دل میں قرآن کی ذوق، رخ پہ حدیثوں کا جمال، دل میں قرآن کی ذوق، رخ پہ حدیثوں کا جمال، واقف سر قفی حضرت الطاف حسین، واقف سر قفی حضرت الطاف حسین، آپ کی شان بڑی حضرت الطاف حسین، آپ شہدائے نبی حضرت الطاف حسین، اور دل میں قرآن کی ذوق، رخ پہ حدیثوں کا جمال، واقف سر قفی حضرت الطاف حسین۔ یہ آخری قطع عرض کرتا ہوں، توجہ چاہوں گا، آپ کا بڑا نام، آپ کا نام بڑا نام خطیب الاسلام، آپ کا نام بڑا نام خطیب الاسلام، آپ ہیں صاحب اکرام خطیب الاسلام، آپ کا نام بڑا نام خطیب الاسلام، آپ ہیں صاحب اکرام خطیب الاسلام، آپ نے خدمت اسلام کچھ ایسے کی ہے، آپ نے خدمت اسلام کچھ ایسے کی ہے، ناز کرتا ہے خود اسلام خطیب الاسلام۔ بہت شکریہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم قاضی اسد سنائی صاحب نے مرثی نعت پاک کے علاوہ نایاب قافیوں میں نعت شریف پیش کی، پھر حضرت قبلہ کی شان میں جو منقبت پیش کی، اور نعت شریف ناطق سے بھی برداشت کر لیجیے۔ عرض کیا ہے کہ رب کے آگے سر کو جھکانا اچھا لگتا ہے، رب کے آگے سر کو جھکانا اچھا لگتا ہے، اور دعا کو ہاتھ اٹھانا اچھا لگتا ہے،
रब के आगे सर को झुकाना अच्छा लगता है और दुआ को हाथ उठाना अच्छा लगता है। नज़्म रुबाई और गज़ल तो हम भी कहते हैं, नज़्म रुबाई और गज़ल तो हम भी कहते हैं, लेकिन हमको नात सुनाना अच्छा लगता है, लेकिन हमको नात सुनाना अच्छा लगता है। और ये खिताबी देखिए कि अफसाने, तंजो मिजा का शायर होता है, ये पाशा मुझे वही करके बुलाते हैं, अफसाने बहुत मैंने लिखे कुछ नहीं मिला, अफसाने बहुत मैंने लिखे कुछ नहीं मिला, किस्से कहानी लिख के तो कंगाल हो गया। अफसाने बहुत मैंने लिखे कुछ नहीं मिला, किस्से कहानी लिख के तो कंगाल हो गया, लेकिन मेरे नबी का करम देखिए सहर, लेकिन मेरे नबी का करम देखिए सहर, नाते शरीफ कहते ही खुशहाल हो गया, नाते शरीफ कहते ही खुशहाल हो गया। और आखिरी खता पेश कर रहा हूँ कि दिन रात सर झुकाते हो मौला के सामने, दिन रात सर झुकाते हो मौला के सामने, रोते हो गिड़गिड़ाते हो दाता के सामने, दिन रात सर झुकाते हो मौला के सामने, रोते हो गिड़गिड़ाते हो दाता के सामने, कहने की नात करते रहो मश्क तुम सहर, कहने की नात करते रहो मश्क तुम सहर, महशर में तुमको पढ़ना है आखा के सामने, महशर में तुमको पढ़ना है आखा के सामने। नात शरीफ का मसला पेश कर रहा हूँ, मुझको मेरे मुस्तफ़ा का आसरा दरकार है, मुझको मेरे मुस्तफ़ा का आसरा दरकार है, बस उसी से दो जहाँ में मेरा बेड़ा पार है, मुझको मेरे मुस्तफ़ा का आसरा दरकार है, बस उसी से दो जहाँ में मेरा बेड़ा पार है। और शेर देखिए कि ये इबादत और रियाजत है ज़रूरी भी मगर, ये इबादत और रियाजत भी ज़रूरी है मगर, उनकी नस्बत गर नहीं तो फिर ये सब बेकार है, उनकी नस्बत गर नहीं तो फिर ये सब बेकार है। और शेर अर्ज़ किया हूँ कि सोने चांदी और हीरे की हकीकत कुछ नहीं, सोने चांदी और हीरे की हकीकत कुछ नहीं, आपका दामन जो मेरे हाथ में सरकार है, आपका दामन जो मेरे हाथ में सरकार है। और शेर पर तवज्जो चाहता हूँ कि फतह मक्का हो चुकी है फिर भी नजरें हैं झुकी, फतह मक्का हो चुकी है फिर भी नजरें हैं झुकी, मेरे आखा का भी देखो कैसा ये किरदार है, मेरे आखा का भी देखो कैसा यह किरदार है, फतह मक्का हो चुकी है फिर भी नजरें हैं झुकी, मेरे आखा का भी देखो कैसा यह किरदार है। और पेट पर पत्थर भी बांधे सरवरे कौनैन ने, पेट पर पत्थर भी बांधे सरवरे कौनैन ने, अपनी उम्मत के लिए ही उनका ये इशार है, अपनी उम्मत के लिए ही उनका ये इशार है, ज़िक्र अहमद से ही मुझको मिलती है राहत फ़कत। इस शेर पर भी तवज्जो चाहता हूँ, ज़िक्र अहमद से ही मुझको मिलती है राहत फ़कत, ज़िक्र अहमद के बिना अब ज़िंदगी दुश्वार है, ज़िक्र अहमद के बिना अब ज़िंदगी दुश्वार है। और मख्ता पेश कर रहा हूँ, जिसको आखा की ग़ुलामी मिल गई हो ऐ सहर, जिसको आखा की ग़ुलामी मिल गई हो ऐ सहर, वो यकीनन इस जहां में कौम का सरदार है, वो यकीनन इस जहां में कौम का सरदार है, जिसको आखा की ग़ुलामी मिल गई हो ऐ सहर, वो यकीनन इस जहां में कौम का सरदार है, मुझको मेरे मुस्तफ़ा का आसरा दरकार है, बस उसी से दो जहां में मेरा बेड़ा पार है। मोहतरम हज़रामी गिरामी, अब चलिए मुशायरा इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो रहा है, एक ऐसे मोतबर शायर को मैं ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ जिनका तारुफ़, जिनकी पहचान सिर्फ़ और सिर्फ़ नातिया कलाम से है। अरसे दराज से ये नातिया कलाम में महू हैं और इनके कलाम में जो मज़ामीन आते हैं उसका हमारे तसव्वुर भी नहीं आता। उस्ताद शायर हैं, हज की सआदत भी नसीब हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह तीन नातिया मजमू कलाम के ये शह सवार हैं। दिल की गहराइयों से उनके पेशगी मोर के पास पेश करता हूँ कि चौथा मजमू कलाम भी आने को है। मेरी मुराद मोहतरम अलहाज अकबर खां अकबर से है, मैं बड़े अदब व एहतराम से उनसे दरख्वास्त करता हूँ तशरीफ लाएँ और बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीए नात पेश करें। दिल से दीवाना आपका आशिक़ हुआ हुजूर, दिल से दीवाना आपका आशिक़ हुआ हुजूर, जिनको भी शरफ़ देखने का, जिनको भी शरफ़ देखने का है मिला हुजूर, चैलेंज कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, चैलेंज कर रहा हूँ मैं डंके की चोट पर, दोनों जहाँ में कोई नहीं आप सा हुजूर, दोनों जहाँ में कोई नहीं आप सा हुजूर। मोहतरम अलहाज अकबर खां अकबर साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इजाज़त, एक नात शरीफ मुकम्मल पेश करने से पहले
دو نعتوں کے مختلف اشعار منتخب آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوں کہ پہلے علم و تہذیب کے ہر فن کے وہ بانی نکلے، علم و تہذیب کے ہر فن کے وہ بانی نکلے، ڈھل کے قرآن سے جو الفاظ و معانی نکلے، ڈھل کے قرآن سے جو الفاظ و معانی نکلے، حد تو یہ ہے کہ فدایان نبی کی صف میں، حد تو یہ ہے کہ فدایان نبی کی صف میں جان دینے کو کئی دشمن جانی نکلے، جان دینے کو کئی دشمن جانی نکلے، اور غیر ممکن نہیں سرکار اشارہ جو کرے، غیر ممکن نہیں سرکار اشارہ جو کرے، دھوپ دریاؤں سے صحراؤں سے پانی نکلے، دھوپ دریاؤں سے صحراؤں سے پانی نکلے، غیر ممکن نہیں سرکار اشارہ جو کرے، دھوپ دریاؤں سے صحراؤں سے پانی نکلے، دھوپ دریاؤں سے صحراؤں سے پانی نکلے۔ اور ایک نعت شریف کے چند اشعار کے پیش نظر ہمارے جب سے در نبی ہے، پیش نظر ہمارے جب سے در نبی ہے، الفاظ سارے چپ ہیں خاموشی بولتی ہے، الفاظ سارے چپ ہیں خاموشی بولتی ہے، ذکر نبی کے معنی ظلمت میں روشنی ہے، ذکر نبی کے معنی ظلمت میں روشنی ہے، آمد نبی کی کیا ہے باطل کی خودکشی ہے، آمد نبی کی کیا ہے باطل کی خودکشی ہے، اور ہر ایک کو فکر اپنے مقام کی ہے، ہر ایک کو فکر اپنے مقام کی ہے، میرا مقام ہستی خاک در نبی ہے، میرا مقام ہستی خاک در نبی ہے، ہر ایک کو فکر اپنے مقام کی ہے، میرا مقام ہستی خاک در نبی ہے، ناز رسول حق ہے رشک پیمبری ہے، ناز رسول حق ہے رشک پیمبری ہے، جس زاویے سے دیکھو خوشبخت امتی ہے، جس زاویے سے دیکھو خوشبخت امتی ہے، ناز رسول حق ہے رشک پیمبری ہے، جس زاویے سے دیکھو خوشبخت امتی ہے، آغوش امیت میں وہ منصب علی ہے، آغوش امیت میں وہ منصب علی ہے، خیرات علم جن کے ہاتھوں سے بٹ رہی ہے، خیرات علم جن کے ہاتھوں سے بٹ رہی ہے، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، عین نماز میں بھی جو ایوہ النبی ہے، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، عین نماز میں بھی جو ایوہ النبی ہے، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، عین نماز میں بھی جو ایوہ النبی ہے، عین نماز میں بھی جو ایوہ النبی ہے، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا، حرف ندا سے ان کو حق نے سلام بھیجا،
ऐने नमाज में भी जो अय्युहन नबी है, ऐने नमाज में भी जो अय्युहन नबी है, अकबर असास ईमा चश्मे करम है उनकी, अकबर असास ईमा चश्मे करम है उनकी, याद नबी से गफलत तौहीन बंदगी है, याद नबी से गफलत तौहीन बंदगी है, अकबर असास ईमा चश्मे करम है उनकी, याद नबी से गफलत तौहीन बंदगी है। और एक नाते शरीफ होंगे, वशम्स में है रूनुमा तलात रसूल की, वशम्स में है रूनुमा तलात रसूल की, कुरान पढ़िए देखिए सूरत रसूल की, कुरान पढ़िए देखिए सूरत रसूल की जब खुदा ने अर्श पे दावत रसूल की, शेरों कि जब खुदा ने अर्श पे दावत रसूल की, हुसैन तक गई बशरियत रसूल की, हुसैन तक गई बशरियत रसूल की जब खुदा ने अर्श पे दावत रसूल की, हुसैन तक गई बशरियत रसूल की, और ठहरा जहाँ भी करके मैं नियत रसूल की, ठहरा जहाँ भी करके मैं नियत रसूल की, मुझ पर तवज्जो कर गई रहमत रसूल की, मुझ पर तवज्जो कर गई रहमत रसूल की, बिकर नबी के नाम पे बाजार इश्क में, बिकर नबी के नाम पे बाजार इश्क में, अस्हाब ने ख़रीद ली जन्नत रसूल की, बिकर नबी के नाम पे बाजार इश्क में, अस्हाब ने ख़रीद ली जन्नत रसूल की, आदम का भी वजूद अभी आबो गिल में था, आदम का भी वजूद अभी आबो गिल में था, तश्कील पा चुकी थी नबूवत रसूल की, आदम का भी वजूद अभी आबो गिल में था, तश्कील पा चुकी थी नबूवत रसूल की, अल्लाह बोलता है नबी की ज़बान से, अल्लाह बोलता है नबी की ज़बान से, माँ यंतिकू है शान खिताबत रसूल की, माँ यंतिकू है शान खिताबत रसूल की, और बेसाइगी ने जिस्म की खोला है राज कुछ, बेसाइगी ने जिस्म की खोला है राज कुछ, अकबर खुली है किस पे हकीकत रसूल की, अकबर खुली है किस पे हकीकत रसूल की, वशम्स में है रूनुमा तलात रसूल की, कुरान पढ़िए देखिए सूरत रसूल की। मोहतरम अलहाज अकबर खां अकबर साहब मुरस्से नाते शरीफ से महफिल को गरमा दिए। हम आप सब देखते हैं, हमारा ये मुशाहिदा है कि तरन्नुम में तो बहुत हर कोई लूट लेता है, मगर तहत में अच्छा शहर अशार कहकर लोगों को गर्मा में गर्मी में लाना बहुत कमाल की बात है। ये कमाल उनमें बजाज़ एतम मौजूद है। हज़रत गिरामी, हैदराबाद शहर में उलमाए कराम, कई उलमा कराम को हम देखते हैं, हमारे सदर मुशायरा भी बेहतरीन आलमुद्दीन और अपनी तकरीरों से लोगों को रागब करते हैं इस्लाम की तरफ, लेकिन हमारे दरमियान में एक ऐसे आलमुद्दीन भी मौजूद हैं, मैंने आज तकरीबन 20 साल से उनको देखता आ रहा हूँ। हैदराबाद जब मैं मुंतकिल हुआ तो देखा तो हर जलसे में मौलाना की तकरीर सुनता था मैं, और बहुत कोशिश होती थी। वो जब तकरीर करते हैं तो अपने मौजू से हटते नहीं थे, वो ख़ास बात है, वरना मुझे से अनपढ़ लोग तकरीर करते करते निकल जाते दौरे पे, मगर यह हजरत का आलम यह है, बहुत अच्छी तकरीर, मुरस से तकरीर बेहतर, अपने उनवान से इंसाफ करने वाले मुकर्रर को मैं जानता हूँ, और खिदमत खल्क में भी अब आगे आगे रहते हैं। मुझे कोई ज़रूरत पेश आई, जिक्र किया फौरी किसी और से तो भी करेंगे, मगर मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मेरी मुराद अबू अम्मार हज़रत मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब से है, एक खानखा से वाबस्ता हैं, बेहतरीन नातिया कलाम कहते हैं और दारुल उलूम सैफुल इस्लाम के बानी भी हैं।
मैं बड़े अदब व अहतराम से आज के मेहमान खुसूसी हैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए नंग रिजों ने मुट्ठी में कलमा पढ़ा, खिंच के आया शजर चांद टुकड़े हुआ, संग रिजों ने मुट्ठी में कलमा पढ़ा, जब कमाले रिसालत की तस्दीक को काफिरों ने कहा मुजीज़ा चाहिए, हज़रत मौलाना इरफानुल्लाह शाह नूरी साहब बानी है जामिया सैफुल इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन किराम, आज का ये 25वां सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख़तीबुल इस्लाम के सिलसिले में ये मुबारक और मुक़द्दस महफिल सजाई गई है जो फ़कीर की आरज़ुओं और उसके ख़्वाब की ताबीर में समझता हूँ। हज़रत का विसाल होकर 25 साल हुए, अगरचे के सालाना उर्स मुबारका के मौक़द होते रहे लेकिन कुछ सहूलतें नहीं थी और शहज़ादगान निहत्ते नहीं, मगर इस वक्त फ़ौज बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नज़र बस से बचाए। हज़रत के शहज़ादगान हज़रत ने अपनी नज़र करम से हर एक को आलिम फाजिल मुत्तकी परहेज़गार खिदमत खल्क का जज्बा रखने वाले इल्मी दीनी खिदमात करने वालों बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनके शहज़ादों के शहज़ादगान भी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी जमात है और जिस काम को आगे बढ़ाना हज़रत क़िबला की जो नीयत थी मिजाज था अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे इंशाअल्लाह बढ़ेगा। अल्फाज नहीं मिलते कि मैं क्या अर्ज़ करूँ, हज़रत क़िबला अलैहि रहमा की मुझ पर जो शफ़क़तें थी या मेरे दिल में हज़रत क़िबला की अक़ीदत है उसका इजहार ज़बान से नामुमकिन है। आज की इस महफिल में इश्तिहार की जीनत के लिए तरतीब के लिए मेरा नाम मेहमानों में रखा गया है, हालांकि मैं मेहमान नहीं हूं, मैं इस दर का एक खादिम की हैसियत है और इंशाअल्लाह ताला उसी में मैं बरकत समझता हूं। आज की इस महफिल में नात शरीफ पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। वैसे अकाबिर शोराए किराम से आपने समाअत फरमा लिया और आपने मेरा तारुफ़ सुना कि मुकर्रर हैं, शेर कहता नहीं हूँ शायरी कर लेता हूँ, माफ़ करना। तर्द है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क़ो मोहब्बत में डूबी ये महफिल मदहसराई है, इश्क़ो मोहब्बत में डूबी ये महफिल मदहसराई है, आज मेरे घर ईद है लोगों याद नबी की आई है, आज मेरे घर ईद है लोगों याद नबी की आई है। सबा मसानी और कलाम पाक में ये बात आई है, सबा मसानी और कलाम पाक में ये बात आई है, खल्क भी शैदा आपकी है और खालिक भी शैदाई है, खल्क भी शैदा आपकी है और खालिक भी शैदाई है। मुख पे लाली, मुख पे है लाली होंठ गुलाबी, मुख पे है लाली होंठ गुलाबी, सूरत भी क्या पाई है, सूरत भी क्या पाई है, जुल्फ है काली
بال ہلا لی چشم کی کیا بینائی ہے, چشم کی کیا بینائی ہے. ہار ہے دنداں کھلتا چہرہ صدر کشادہ ہے جس کا, ہار ہے دنداں کھلتا چہرہ صدر کشادہ جس کا, حسن پہ جن کے حور و ملائک جن و بشر شیدائی ہیں, حسن پہ جن کے حور و ملائک جن و بشر شیدائی ہیں. دے بعد رسول, بعد رسول بو بکر, بعد رسول بو بکر و عمر عثمان و علی افضل ٹھہرے, بعد رسول بو بکر و عمر عثمان و علی افضل ٹھہرے. صدق و صداقت اور غنی بھی ناد علی مولائی ہے, صدق و عدالت اور غنی بھی ناد علی مولائی ہے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ساری قرآن مجید میں ہے, لیکن چند سوروں کا اشارہ دینے کی کوشش کی ہے. فتح و محبت, فتح و محمد, فتح و محمد نجم و قمر رحمان بلد اور لم نشرا, فتح و محمد نجم و قمر رحمان بلد اور لم نشرا, شان میں ان کی لیل و دہا اخلاص و کوثر آئی ہے, شان میں ان کی لیل و دہا اخلاص و کوثر آئی ہے. دید نبی کی دید خدا, دید نبی کی دید خدا کی حق یہی اے مستانو, دید نبی کی دید خدا کی حق ہے یہی اے مستانو, عاشقی میرے پیارے نبی کی دیکھیے اب رنگ لائی ہے, عاشقی میرے پیارے نبی کی دیکھیے اب رنگ لائی ہے. ورد زباں بس ایک ہی دھن ہے, ورد زباں بس ایک ہی دھن ہے, شہر میں ان کے جاؤں, ورد زباں بس ایک ہی دھن ہے, شہر میں ان کے جاؤں, ذکر سے ان کے سانس کی مالا میں نے یہاں پرائی ہے, یہاں پروائی ہے, ذکر سے ان کے سانس کی مالا میں نے یہاں پروائی ہے. لاج ہماری ہاتھ ان کے, لاج ہماری ہاتھ ان کے, روزے اصل سے ہے سیفی, روزے اصل سے ہے سیفی, لاج ہماری, لاج ہماری ہاتھ انہیں کے, روز اصل سے ہے سیفی خادم. خام زباں یہ نعت سنانے حوصلہ ان سے پائی ہے, خام زباں یہ نعت سنانے حوصلہ ان سے پائی ہے. اسی طرح منقبت کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضرت کی خدمت میں نظر عقیدت کے طور پر. آپ اے الطاف کیسے باخدا ذی شان ہیں, آپ اے الطاف کیسے باخدا ذی شان ہیں, در پہ خود سارے ملائک حاضر و دربان ہیں, در پہ خود سارے ملائک حاضر و دربان ہیں. نسبت فاروق اعظم سے نمایاں قد و قال, نسبت فاروق اعظم سے نمایاں قد و قال, تھا عقیدے میں تسلب حیدری ہر آن ہے, تھا عقیدے میں تسلب حیدری ہر آن ہے. عالم و فاضل, عالم و فاضل محقق ہیں وہ صوفی متقی, عالم و فاضل محقق ہیں وہ صوفی متقی, امتیاز اس پر یہ ہے وہ حافظ قرآن ہے, وہ حافظ ہے. خطیب اسلام کے یہ پیکر احسان بھی ہیں, خطیب اسلام کے یہ پیکر احسان بھی, نور حق سے دیکھتے ہیں صاحب ایمان ہیں, نور حق سے دیکھتے ہیں صاحب ایمان ہیں. ان کی تحریروں میں ہے رمز معارف کا بیان, ان کی تحریروں میں ہے
رمزِ معارف کا بیان جس کے ایک ایک لفظ میں بنا کئی دیوان ہے بات ہوتی ان کی ہر ایک حمد حق مدِ حبیب بات ہوتی ان کی ہر ایک حمد حق مدِ حبیب عقل دانش دیکھ کر اس بات پر حیران ہے عقل دانش دیکھ کر فضل ربی ہے مربی فضل ربی ہے مربی سرفراز ان سے سبھی سلسلہ سردار کا رکھتے کمالی شان ہے سلسلہ سردار کا رکھتے کمالی شان ہے آپ کی خامت کا اندازہ کریں کچھ اس طرح آپ کی خامت کا اندازہ کریں کچھ اس طرح لب پہ ہر اہل نظر کی صاحب عرفان ہے مقتدی عرض دلہ خاروں میں ہے شامل آپ کا سیفی بھی ہے دلہ خاروں میں ہے شامل آپ کا سیفی بھی ہے آپ تو سرتاپا حسن منبع فیضان ہیں آپ اے الطاف کیسے باخدا ذیشان ہیں در پہ خود سارے ملائک حاضر و دربان ہیں اندازہ نہیں ہے کہ میں کتنا کامیاب ہوا آپ تمام استاد شعرا یہاں پر پڑھ چکے ہیں ابھی وہ چند اشعار عرض کرتا ہوں سے لاک ڈاؤن سے بعد پہلی بار جب عمرے کی کوشش کر رہا تھا تو لاک ڈاؤن کے بعد تلنگانہ میں سب سے پہلا ویزا اس ناچیز کا لگا تو جب پاسپورٹ سبمٹ کیا گیا تو اس کے بعد یہ اطلاع ملی کہ 6 ممالک کے ویزے بند کر دیے گئے ہیں اس میں ہندوستان بھی ہے تو اس وقت جو کیفیت تھی وہی وقت پہ ایک شعر لکھا تھا کچھ ایسا کرم میرے سرکار ہو جائے کچھ ایسا کرم میرے سرکار ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اس کے بعد والے اشعار مدینہ پہنچ چکا تھا تو لکھا فکنتو سماعہو کا مظہر اتم ہے آپ فکنتو سماعہو کا مظہر اتم ہے آپ کہ جب بھی جہاں سے بھی ندا دی جائے مستجاب ہو جائے کہ جب بھی جہاں سے بھی ندا دی جائے مستجاب ہو جائے ورفعنا لك ذکرک کہہ کر بتا دیا رب نے ورفعنا لك ذکرک کہہ کر بتا دیا رب نے کہ ذکر نبی کے بغیر اذاں بھی ناتمام ہو جائے کہ ذکر نبی کے بغیر اذاں بھی ناتمام ہو جائے جاؤ کا کہہ کر احق ان یردوہ بھی سمجھا دیا ہم کو جاؤ کا کہہ کر احق ان یردوہ بھی سمجھا دیا ہم کو کہ کر لو رسول کو راضی راضی خدا بھی ہو جائے کہ کر لو رسول کو راضی راضی خدا بھی ہو جائے تن من دھن نثار کر کر بتا دیا صدیق اکبر نے تن من دھن نثار کر کے بتا دیا صدیق اکبر نے کہ صدائے لا تحزن ہے ان کے لیے کہ صدائے لا تحزن ہے ان کے لیے جو دل سے نبی کا ہو جائے کہ صدائے لا تحزن ہے ان کے لیے جو دل سے نبی کا ہو جائے للہ ہدایت کی ایک نظر قلب محسن پر للہ ہدایت کی ایک نظر قلب محسن پر کہ شانِ انکا لتہدی بھی آیا ہو جائے کہ شانِ انکا لتہدی بھی آیا ہو جائے للہ ہدایت کی ایک نظر قلب محسن پر کہ شانِ انکا لتہدی بھی آیا ہو جائے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ یہ پڑھانا جان کی نعت پاک مجھ کو عشق شہ ابرار نے سونے نہ دیا مجھ کو عشق شہ ابرار نے سونے نہ دیا حسین فاروق حدیث اسلام کے والد رات بھر دا
दर्द दाद भर दर्द दिले जार ने सोने न दिया, दर्द दिले जार ने सोने न दिया। याद फिर आने लगा मुझको जमाल रोशन, याद फिर आने लगा मुझको जमाल रोशन। क्या कहूँ कल्ब पुर नूर अनवार ने सोने न दिया, कल्ब पुर नूर अनवार ने सोने न दिया। एक न एक फिक्र रही दिल को मेरे रात तमाम, एक न एक फिक्र रही दिल को मेरे रात तमाम। हाय मुझको इन्हीं अफकार ने सोने न दिया, हाय मुझे इन्हीं अफकार ने सोने न दिया। मर गए हसरत दीदार में जब हम अफसोस, मर गए हसरत दीदार में जब हम अफसोस। कब्र में शौक़े रुखे यार ने सोने न दिया, कब्र में शौक़े रुखे यार ने सोने न दिया। मर गए हसरत दीद में जब हम अफसोस, कब्र में शौक़े रुखे यार ने सोने न दिया। रो दिया देख के जब अपने गुनाह वसल की शब, रो दिया देख के जब अपने गुनाह वसल की शब। रात भर रहमत गफ्फार ने सोने न दिया, रात भर रहमत गफ्फार ने सोने न दिया। रात भर आती रही मुझको सदाए रफ रफ, रात भर आती रही मुझको सदाए रफ रफ। या नबी आपकी रफ्तार ने सोने न दिया, या नबी आपकी रफ्तार ने सोने न दिया। क्यों न हो वसले नबी से मेरा दिल माला माल, क्यों न हो वसले नबी से मेरा दिल माला माल। रात भर दौलत दीदार ने सोने न दिया, रात भर दौलत दीदार ने सोने न दिया। जानिब तैबा चले बहर ज़ियारत महबूब, जानिब तैबा चले बहर ज़ियारत महबूब। राह में काफ़िले सालार ने सोने न दिया, राह में काफ़िले सालार ने सोने न दिया। मुझको इश्क़े शह अवरार ने सोने न दिया, रात भर दर्द दिल ज़ार ने सोने न दिया। जी मर गए हसरत दीदार में जब हम अफसोस, मर गए हसरत दीदार में जब हम अफसोस। कब्र में शौक़े रुखे यार ने सोने न दिया, कब्र में शौक़े रुखे यार ने सोने न दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहसिन बिन मोहम्मद अलहमूमी साहब आज के 25वें सालाना उर्स शरीफ़ के ख़तीबुल इस्लाम अलैह रहमा के वालिद मोहतरम के नाते पाक पेश फरमा रहे थे। बहुत उम्दा और मुरस्से नाते पाक थी, उनको भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत गिरामी, आज के हमारे मुशायरे के आखिरी शायर और मेहमान खुसूसी, उनके बारे में क्या अर्ज़ करूँ। मखदूम अवार्ड याफ्ता शायर हज़रत ख्वाजा शौक़ साहब की रहलत के बाद उनकी जगह को खाली नहीं रखी गई। उनके मिशन को आगे व शायरी रखने में जिस मोतबर शख्सियत का दखल है, मेहनत है, उसे दुनिया शेर व अदब हज़रत जलाल आरिफ के नाम से जानती है, पहचानती है। एक बेहतरीन अदीब, बेहतरीन शायर और सबसे बढ़कर बेहतरीन खूबसूरत दिलनवाज शख्सियत का नाम है हज़रत जलाल आरिफ। हुकूमत तेलंगाना ने इनको हाल ही में कारनामा हयात का अवार्ड से नवाजा। मैं बड़े अदब व एहतराम से मेरे जलाल भाई से ख्वाहिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीन नात पेश फरमाएँ। एक उनका नाम लेते ही आता खरार है, एक उनका नाम लेते ही आता खरार है, सरकार के ही जिक्र से जग में बहार है। एक उनका नाम लेते ही आता खरार है, सरकार के ही जिक्र से जग में बहार है। इज़्ज़त बहुत ही बढ़ गई मेरी जहान में, इज़्ज़त बहुत ही बढ़ गई मेरी जहान में। आखा के ग़ुलामों में जो मेरा शुमार है, आखा के ग़ुलामों में जो मेरा शुमार है। हज़रत जलाल आरिफ साहब जानशीन हज़रत ख्वाजा शौक़। माशा अल्लाह।
वैसे छोड़ करते एक माजरत के साथ के हालात ऐसे थे कि मनखबत नहीं लिख सका। हालांकि अल्ताफ हुसैन साहब के साथ बल्कि उनके पास हमारे हम जो हमारी नौजवानी थी उस ज़माने में उनके खिताबात सुना करते थे हम और ऐसे अल्फाज के दिल में उतर जाएं तो बहरहाल उनसे लिए माजरत का हूँ। इंशाल्लाह आइंदा ज़रूर मैं एक आध मनखबत तो ज़रूर लिखूँगा। नात के चंद शेर पेश कर रहा हूँ मुलाहजा फरमाएं। रोशनी अर्श रसाई की दिया करते हैं, रोशनी अर्श रसाई की दिया करते हैं, नक्श पा आपके ये काम किया करते हैं, नक्श पा आपके ये काम किया करते हैं, रोशनी अर्श रसाई की दिया करते हैं, रोशनी अर्श रसाई की दिया करते हैं, नक्शे पा आपके ये काम किया करते हैं। नात लिखते हैं तो क्या काम नया करते हैं, अरे वाह वाह, नात लिखते हैं तो क्या काम नया करते हैं, हम तो हसन की तख़लीक़ किया करते हैं रज़ी अल्लाह ताला, हम तो हसन की तख़लीक़ किया करते हैं। फिर देखिए शान मायंती खूब ले आती है खुशबू दान, शान मायंती खूब ले आती है खुशबू दान, जब कभी लब मेरे कुरान पढ़ा करते हैं, जब कभी लब मेरे कुरान पढ़ा करते हैं, शान मायंती खूब ले आती है खुशबू दान, जब कभी लब मेरे कुरान पढ़ा करते हैं, चादरे इश्क़े नबी तान के सोने वाले, चादरे इश्क़े नबी तान के सोने वाले, परतवे नूर में आराम लिया करते हैं, चादरे इश्क़े नबी तान के सोने वाले, चादरे इश्क़े नबी तान के सोने वाले, परतवे नूर में आराम लिया करते हैं। शेर देखिए क्या है मनचाहे नबी देखने खुद लौहो कलम, क्या है मनचाहे नबी देखने खुद लौहो कलम, जुम्बिशे अब्रुए आखा को तका करते हैं, क्या है मनचाहे नबी देखने खुद अहले लौहो कलम, क्या है मनचाहे नबी देखने खुद लौहो कलम, जुम्बिशे अब्रुए आका को तका करते हैं। इसका एक आखिरी शेर, दुश्मने दी हो मुकाबिल मैं तो आका के गुलाम, दुश्मने दी हो मुकाबिल तो आखा के गुलाम, पीठ दिखलाते नहीं जम के लड़ा करते हैं, पीठ दिखलाते नहीं जम के लड़ा करते हैं। इसका मकसद है मुलाजा वो मर्द इश्क़ नबी बढ़ता है तो बढ़ जाने दे, मर्द इश्क़ नबी बढ़ता है बढ़ जाने दे, दिले आरिफ तेरी सरकार दवा करते हैं, दिले आरिफ तेरे सरकार दवा करते हैं। एक सरकार के बारे में एक नात के चंद शेर पेश करूँ बोला जाता हूँ। सीरत का हर एक गोशा सरकार के बारे में, सीरत का हर एक गोशा सरकार के बारे में, कुरान का रहा हिस्सा सरकार के बारे में, कुरान का रहा हिस्सा सरकार के बारे में, हुसैन की मंजिल में पहुँचे जो शबे आसरा, हुसैन की मंजिल में
पहुँचे जो शबे असरा, रब ने कहा औ अदना, सरकार के बारे में रब ने कहा औ अदना, सरकार के बारे में। कौसैन की मंजिल में पहुँचे जो शबे असरा, रब ने कहा औ अदना, सरकार के बारे में। जुल्फों के हवाले से कुरान का कहना है, जुल्फों के हवाले से कुरान का कहना है। वल्लैली इज़ा यक्षा, सरकार के बारे में। वल्लैली इज़ा यक्षा, सरकार के बारे में। एक शेर देखिए साहब, खुद आयशा बीबी ने सीरत को कहा कुरान, खुद आयशा बीबी ने सीरत को कहा कुरान, जब उनसे कोई पूछा सरकार के बारे में। खुद आयशा बीबी ने सीरत को कहा कुरान, जब उनसे कोई पूछा सरकार के बारे में। आखा के अमल को भी अल्लाह ने कहा अपना, आखा के अमल को भी अल्लाह ने कहा अपना, है जिक्र रमयता का सरकार के बारे में। है जिक्र रमयता का सरकार के बारे में। मिन नूर तजल्ली के असरार समझने को, मिन नूर तजल्ली के असरार समझने को, है अक्ल रसा होना सरकार के बारे में। है अक्ल रसा होना सरकार के बारे में। एक एक शेर, एक आखिरी शेर पेश करो मुलाजा में। पटके के निकलने को समझा ना कोई अब तक, पटके के निकलने को समझा ना कोई अब तक, जानेगा बशर फिर क्या सरकार के बारे में। जानेगा बशर फिर क्या सरकार के बारे में। आरिफ के दिलो जा में एक चांद उतर आया, आरिफ के दिलो जा में एक चांद उतर आया, उसने जो कभी सोचा सरकार के बारे में। उसने जो कभी सोचा सरकार के बारे में। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। जानशीन हज़रत ख्वाजा शौक मोहतरम हज़रत जलाल आरिफ साहब ने अपने मुरस्से नातिया कलाम से ये साबित कर दिया कि वाकई वो जानशीन ख्वाजा शौक कहलाने के मुस्तहिक हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हज़रत ग्रामी तमाम शुरा कराम ने अपने मुरस्से कलाम से बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न सिर्फ हदीय नात पेश किया बल्कि ख़तीबुल इस्लाम की शान में भी मरखबत का नजराना पेश किया। मैं तमाम को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबको ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने शायर भी बैठे हुए हैं वो सब हैं बड़े, कोई छोटा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी ने इंसाफ किया अपने कलाम के साथ। अब आइए आखिरी मरहला, खुशगवार मरहला बाकी रहता है शुक्रिया का, उसके लिए मैं मुल्तमिस हूँ। मौलाना मुत्तहर हुसैन अनस फारूक़ी साहब नबी रहे हज़रत ख़तीबुल इस्लाम से को तशरीफ़ लाएँ और शोराए कराम सदर मुशायरा और तमाम सामईन का दिल की गहराई उनसे शुक्रिया अदा फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं शुक्रिया के अल्फाज से पहले दो ऐलानात करना चाहूँगा सदर महफिल की इजाज़त से। पहला ऐलान, इंशाअल्लाह 7 ज़ुलहिज्जा बरोज़े जुमेरात हज़रत ख़तीबुल इस्लाम अलैहि रहमा का उर्से मुबारक है और मदरसतुल कुरान अल जामिया अल फारूकिया का सालाना जलसा है। मैं आप तमामी शुरका से दरख्वास्त करूँगा कि ज़रूर ज़रूर शिरकत फरमाएँ। दूसरा ऐलान, सदर मोहतरम की इजाज़त से अभी जो मेरे ब्रदर मुअज़्ज़म हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहसिन बिन मोहम्मद अलहमूमी साहब क़िबला ने जो कलाम सुनाया है वो मेरे परदादा हज़रत क़िबला का कलाम है। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम की इजाज़त से और सदर मोहतरम की इदारत में आइंदा साल वो ज़ेवर तबासुम रस्सा होगा इंशाअल्लाह। जी, गुज़श्ता एक मरतबा
جو ہے زیور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے انشاءاللہ، طباعت ثانیہ اس کی انشاءاللہ آئندہ عرص شریف میں ہوگی۔ میں اسی کے ساتھ جلسے کے اختتام کا اعلان، اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور تمام شعراء کرام، صدر محفل، مہمانان خصوصی اور شرکاء کرام کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا غمًا إلا كشفته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ الحمد لله رب العالمين۔